मतलब दो चीज़ें होती है एक तो ये होता है कि आ, वो कहते हैं इंग्लिश में कि किसी को मछली पकड़ना सिखाया जाए और किसी को मतलब एक तो है कि दे विल फीड यू द फिश तो हर बार आपको उनके पास जाना पड़ेगा अंदर रहेंगे कि आप ये सीख लो कि मछली पकड़नी कैसे है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तो इस सेशन का गोल यही है कि आपको मछली पकड़ना सिखाया जाए ताकि आपको फिर बाद में किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि डिपेंडेंसी जहाँ पर आती है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है और ये टाइम टू टाइम हमने देखा है कई बार उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जहाँ तक इंडियन स्टॉक मार्केट की बात है तो यहाँ पर मैं बहुत बेसिक से आपको समझाऊँगा तो मैटर नहीं करता है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं नहीं हैं आप छोटे हैं बड़े हैं कोई भी है मतलब मैं इतना तो मानता हूँ और इतना कॉन्फिडेंस तो मैं आपको बता सकता हूँ इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी है मैं आपको बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट आसानी से समझा सकता हूँ और उसके बाद आपको समझ में भी आएगा इनकेस कुछ डाउट रहता है तो उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बट मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अभी तक जो भी जर्नी है उसमें काफ़ी कुछ हमने सीखा है समझा है और उन्हीं सारी चीज़ों को मैं डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि यू you नो know, दो चीज़ें होती है एक तो खुद अपनी गलतियों से सीखते रहो दूसरा है कि तो खुद की गलतियों से भी सीखो दूसरों की गलतियों से भी सीखो तो आपको आगे बढ़ने में मदद होती है आप फास्ट तेज़ी से आगे बढ़ते तो वो मिस्टेक सिर्फ मेरी नहीं बाकी लोगों की भी मैं बताने की कोशिश करूँगा इस पूरी सीरीज़ में ताकि ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाए तो बढ़ते अपने इस सीरीज़ की तरफ़ और जो पहला सेशन है जहाँ पर हम एकदम बेसिक्स की बात करने वाले तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनका मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है आज इनफैक्ट स्टॉक मार्केट जहाँ पर भी है वो उन इंसिडेंट्स की वजह से है तो मेरे हिसाब से अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे तो हम स्टॉक मार्केट को सही से समझ ही नहीं पाएंगे तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे तो तो ये एक तो पहले इंसिडेंट से हम शुरू करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है तो बात यह है कि एक लड़का था जो पहले तो काम करने के लिए फिर परदेश चला गया और परदेश जाकर फिर उसने कुछ अलग अलग काम किए फिर ये मुंबई आया मुंबई आने के बाद ये इसने टेक्सटाइल की कंपनी शुरू की टेक्सटाइल की कंपनी शुरू करने के बाद फिर जब बिज़नेस और बढ़ाने की बारी आई तो आप में से भी कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जब बिज़नेस बढ़ाने की बारी आती है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें लोन दीजिए लेकिन बैंक का प्रॉब्लम क्या है अगर आपका बिज़नेस बहुत छोटा है तो आपको लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपके पास वो एसेट्स नहीं है कोलेटरल चाहिए होता है उनको कि जिसके अगेंस्ट में आपको लोन मिले और बैंक के हिसाब से उनका भी पॉइंट सही है तो जो बहुत छोटी कंपनीज़ होती है जैसे कि हमने भी जब शुरुआत की थी फिनोवेशन्स की तो हम भी लोन लेने गए थे तो हमें भी नो बोल दिया था कि एसेट्स चाहिए तो एक सिंपल से रिक्वायरमेंट होती है उनकी और यह रिक्वायरमेंट इस लड़के को भी बताई गई कि अगर आपको बहुत बड़ी मात्रा में लोन चाहिए तो उस तरह के एसेट्स होने चाहिए तो उन्होंने बोला कि मुझे तो बिज़नेस बढ़ाना है बनाना है तो बनाने से पहले ज़्यादा एसेट्स कैसे होंगे तो एक बैंक ने रिजेक्ट किया दूसरी बैंक ने रिजेक्ट किया फिर उसे पता चला कि और एक तरीका भी है जहाँ से पैसा कैपिटल रेज किया जा सकता है लेकिन वो बड़ा डिफ़िकल्ट सा तरीका है उस टाइम के हिसाब से और उस तरीके का नाम था स्टॉक मार्केट तो उसने फिर पता किया सारी चीज़ें और फिर 1977 सेवेंटी सेवन वॉज द ईयर जब उसने डिसाइड किया कि अब हम हमारा जो कंपनी का है वो आई पी ओ लाते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा उठाते हैं सो स्टॉक मार्केट इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ पर आप पैसा रेज कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी है तो आप में से भी किसी की कंपनी है अगर आपको पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए तो स्टॉक मार्केट इज़ अ वे एक जरिया है जहाँ से आप पैसा रेज कर सकते हैं सो दैट इज़ अ पॉइंट वन तो इसने भी देख लिया इसने सब सारी चीज़ें समझ ली और 1977 में अपनी कंपनी का आईपीओ लाया लेकिन आज का टाइम अलग है आज अगर कोई कंपनी देखती है अभी मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आ रहा है पिछले साल हमने देखे कई सारे आईपीओ आए तो मतलब आज तो बड़ा ही कॉमन हो गया है बड़ा ही सिंपल सा हो गया है बट उस टाइम ऐसा था नहीं उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट है क्या उस टाइम आप समझ लीजिए एन भी नहीं था ठीक है जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है से भी नहीं था सो एट दैट टाइम इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि नई नई चीज़ उभर कर आ रही थी तो इस लड़के के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूँ कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो बिकॉज आपका तो यही है कि आप पैसा रेज करो तो आज की डेट में आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है अवेयरनेस अच्छा खासा है लोग इन्वेस्ट कर लेते बट दैट वॉज नॉट द केस ठीक है मैं नाइनटीन सेवेंटीज़ की बात कर रहा हूँ और फिर इस लड़के ने फिर हार नहीं मानी ये गाँव गाँव शहर शहर चला गया बड़ी बड़ी सिटीज़ को कवर किया इन्हें सबको कन्विंस किया लोगों को कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए मैं बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ाऊंगा तो आपका भी पैसा बन जाएगा लेकिन चीज़ तो नहीं थी तो बंदे भरोसा कैसे करें तो लोगों ने भरोसा नहीं किया ज़्यादातर लोगों ने भरोसा नहीं किया लेकिन फिर भी उन्होंने फिफ्टी इन्वेस्टर्स आम इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लिया अभी जो फिफ्टी लोग थे दे टूक द बिग रिस्क इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया बिकॉज उस टाइम यह था कि बहुत ही अर्ली स्टेज था पैसा बनेगा नहीं बनेगा नथिंग वॉज क्लियर बट ठीक है उन्होंने रिस्क ले लिया एंड uh, तो ये जो लड़का है क्या नाम है इनका तो इनका नाम है धीरज लाल हिराचंद अम्बानी सही बात है तो इन्होंने 1977 में अपना आई लाया और इनका जो आई था वो दस रुपये की ऑफर प्राइस थी इसकी और सेवन टाइम ये सब्सक्राइब हुआ था अट्ठाईस लाख शेयर्स इन्होंने ऑफ़र किए थे सेवन टाइम उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स भी लगाए थे अब बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कुछ चंद लोग कन्विंस हुए और उसकी वजह से आई सब्सक्राइब भी हुआ अभी आई सब्सक्राइब होने के बाद ठीक है कि उनका शेयर जो है साढ़े बारह रुपये की लिस्टिंग प्राइस थी उसकी उस टाइम जो कि उस हिसाब से अच्छी प्राइस थी और फिर कई सारे लोगों ने इस आई में इन्वेस्ट नहीं किया था ये सोच के कि इन्होंने बोला ऐसे तो और भी लोग आएंगे जो बोलेंगे कि हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा तो हम थोड़ी ना ऐसे इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं था आज हम देखते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज़ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उस टाइम ऐसा नहीं था सो so, इन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया इट ऑज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क जो उन्होंने लिया बहुत ही डिफरेंट रिस्क तो अब ये देखिए अगर हम बात करें कि ये जो बात हमने की आई की कि इन्होंने नाइनटीन में आई लाया तो आई एक तरीका है तो आई पी ओ में बताता है बेसिकली यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है कई सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या तो वही है कि जैसे धीरू भाई अम्बानी जैसे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट इज़ अ वे टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक हम जैसे लोगों के लिए ठीक है हम जैसे लोगों से वो पैसा रेज करते हैं कंपनी में तो इसमें ड्यूअल बेनिफिट है दो लोगों को इट्स अ विन विन सिचुएशन बिजनेसेस को क्या मिलता है बिजनेसेस को मिलता है पैसा उनको तो पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए ऑन द अदर हैंड जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या मिलता है उनको मिलता है उस बिज़नेस में शेयर होल्डर्स बनने की अपॉर्चुनिटी ताकि उस ग्रोथ का फ़ायदा लेके आप पैसा बना सको अगर वो बिज़नेस अच्छा करता है तो तो कंपनी का काम है लोगों से पैसा लेना इन्वेस्टर का काम है कि अच्छी कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करना तो अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो तो शायद रिलायंस भी इतनी बड़ी ना होती अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो शायद इन्फोसिस भी इतनी बड़ी ना होती और आज इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़े बड़े स्केल पर काम करते शायद वो भी इतने बड़े स्केल पर ना होती अब एक रीज़न है कि इसकी वजह से जो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें हाँ तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो देखिए आई ही लोग कई सारी कंपनीज है बड़ी बड़ी दे प्रीफर आई अब उस टाइम तो कोई ऑप्शन था नहीं बैंक थे दूसरा था स्टॉक मार्केट आज के डेट में एक और तरीके आ गए कुछ नए नए वेंचर कैपिटल है बाकी चीज़ें बट स्टिल प्रीफर बहुत सारे कंपनीज़ आईपीओ को प्रिफर करती है स्टॉक मार्केट को प्रीफर करती है और वेंचर कैपिटल पता है क्यों राइट right. तो एक तो ये कि मतलब वो तो ठीक है हाँ वोटिंग पावर भी इनके पास होती है बट कई बार एक हम ये कह सकते हैं इसी चीज़ को इंडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब आप पब्लिक से पैसा रेज करते हैं ना पब्लिक आपको कभी फोर्स नहीं करती कि आप यही करो बट दैट मे नॉट बी द केस वीसीज वो शायद आपको ये भी बोल सकती कि आप ऐसा ही करो आप बिजनेस ऐसा ही चलाओ ठीक है हर एक चीज़ में जैसे हमने रिसेंटली आपने देखा ही होगा अश्नीर करोर और भारत पे के बीच बोर्ड के बीच हो गया पहले हाउसिंग डॉट कॉम का केस था आज से चार पाँच साल पहले फिर फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स के साथ कुछ चीज़ें हुई तो जब आप प्राइवेट इक्विटीज़ या फिर वेंचर कैपिटल से पैसा रेज़ करते हैं तो इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं आई में और फिर स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं क्योंकि जनता है सीधी साधी अगर आप बिज़नेस ढंग से चला रहे हो तो कोई कुछ नहीं बोलता तो दैट इज़ अगेन पीस मिलता है लोगों को बिज़नेस चलाने वालों को कि ठीक है आसानी से हम पैसा रेज कर सकते हो और आसानी से अपने ढंग से अपने तरीके से हम बिजनेस चला सकते हैं तो जब ये अभी हम बात करते रिलायंस की तो जब ये रिलायंस का आई आया तो तुरंत इसकी शेयर प्राइस बिजनेस बढ़ने लगा अब हुआ क्या कि पहले तो बहुत सारे लोग डर गए थे कि यहाँ से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा लेकिन जब इसका आई आया तो इसके शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे अगले साल मतलब 77 में आया 78 में डबल हुआ ट्रिपल हुआ और डेढ़ सौ रुपये के ऊपर चली गई शेयर प्राइस 1982 तक अगले चार पाँच साल में अब तो सबको दिखने लगा कि यहाँ पे तो रिटर्न्स आ रहे हैं बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा बहुत सारे लोग आए और यही मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट था रिलायंस का आईपीओ मैं मानता हूँ कि पूरे स्टॉक मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और यहाँ पर भी पैसा कमाया जा सकता है बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अलग भी एक दुनिया है और वो है स्टॉक मार्केट सो दैट वॉज द केस और फिर बहुत सारे लोगों ने फिर यहाँ पर इन्वेस्ट किया अब ये रिटर्न देखकर इतने सारे लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया कि रिलायंस प्रॉब्लम में आ गई अब फिर उस टाइम फिज़िकल शेयर्स होते थे वो डिलीवर करने पड़ते थे तो रिलायंस ने फिर पोस्ट ऑफिस जनरली डिलीवर करता था तो पोस्ट ऑफिस ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इतने सारे हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो इन्होंने पर्टिकुलरली धीरू भाई अम्बानी का ऐसा था कि ही न्यू वेरी वेल कि मैं आज जहाँ भी हूँ वो लोगों की वजह से हूँ ही वॉज़ वेरी क्लियर एंड हिज थाट प्रोसेस एंड हिज थिंकिंग जो उनकी इन्वेस्टर्स के प्रति रिस्पेक्ट था वो काफ़ी अलग था सो ही ऑलवेज न्यू कि मेरा बिजनेस आज जहाँ भी है वो इसी की वजह से 1982 एटी टू वॉज ईयर वॉज अ वेरी बैड ईयर फॉर कॉटन इंडस्ट्री टेक्सटाइल का बिजनेस था उसमें जब उनका आई आया था तब इनकी कंपनी का नाम था रिलायंस टेक्सटाइल जो बाद में इन्होंने चेंज किया और 1982 एटी टू वॉज अ वेरी बैड ईयर स्टिल उस साल भी उनका रेवेन्यू लगभग 40 परसेंट से और प्रॉफिट लगभग 37 परसेंट से बढ़ गया था सो रिलायंस वॉज अ वेरी स्ट्रांग बिजनेस कि खराब इकोनॉमिक कंडीशन में भी कैसे बढ़ना है वो रिलायंस से सीखा जा रहा था उस टाइम और फिर यही है कि बहुत सारे लोगों ने फिर इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पर और फिर पोस्ट ऑफिस ने जब बोला कि हम तो नहीं कर पा रहे तो धीरू भाई अम्बानी ने अपनी कई सारे एग्जीक्यूटिव को कहा कि तुम ट्रेन ले लो प्लेन ले लो कार ले लो जहाँ से भी जाओ ये शेयर्स सबको दे के आओ जो जो शेयर होल्डर्स थे उन तक ये पहुँचने चाहिए और यही उन्होंने किया अब देखिए उनकी जगह पर कोई और होता तो किसी को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था इस चीज़ से क्या ही फर्क पड़ रहा है ठीक है आराम से दे देंगे जब भी पोस्ट ऑफिस बाद में करेगा तो छः महीने बाद मिलेगा आठ महीने बाद मिलेगा बट ही वॉज वेरी डिफरेंट अब वहीं पर सिर्फ यहाँ तक नहीं कि शेयर शेयर से डिलीवर किए उन्होंने एक कंसेप्ट था एनुअल जनरल मीटिंग का एनुअली आपकी एक मीटिंग होती है जहाँ पर आप बात करते कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है आपकी कंपनी ने पिछले साल में क्या किया आपका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले एक दो सालों का वो एक्सप्लेन करना क्या सही गया क्या गलत गया और अगले साल आप क्या करने वाले उसकी प्लानिंग और उसके लिए फिर उन्होंने यही नहीं आज के डेट में आज भी हम देखते हैं एजीएम जनरली कई बार रिटेल शेयर होल्डर्स को पूछा भी नहीं जाता बस बोला जाता है कि ये है इस लिंक पे आप ज्वाइन करो कुछ कुछ जगह पर ऑनलाइन आपको बुलाया जाता है कुछ कुछ जगह पर वो भी नहीं होता लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था रिलायंस के केस में इट वॉज अ वेरी डिफरेंट केस नाइनटीन में इन्होंने ये स्टेडियम बुक किया था कॉपरेज फुटबॉल ग्राउंड और वहाँ पर बारह लोगों को बुला के इस तरह से इन्होंने ए जी एम थे वो इंडिया में कुछ पहले ही ऐसा किस्सा था जहाँ पर एक इतनी बड़ी लेवल पर एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड की गई थी जो कि धीरु भाई अंबानी ने, ने किया था तो मेरे हिसाब से ये टर्निंग पॉइंट इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग ना होते जिन लोगों ने ये रिस्क लिया शुरुआत में ये लोग अगर ना होते तो आज इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी ना होती दे नीड टू बी ऑनर्ड इन माई ओपिनियन दिस पीपल हु टूक द रिस्क इट वॉज अ वेरी बिग रिस्क एट दैट टाइम आज मैं आपको बता दूँ कि इट वॉज लाइक रिलायंस को जब पता था कि बिजनेस बढ़ाना है बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो स्टॉक मार्केट एक तरीका है और स्टॉक मार्केट ने किया भी वो पैसा प्रोवाइड भी किया आज अगर हम बात करें तो रिलायंस के लगभग थ्री लैख फोर्टी वन थाउजेंड एम्प्लॉयज हैं और अगर ये आईपीओ ना होता अगर ये ये लोग रिस्क ना लेते तो ये इतने बड़े लेवल पर रिलायंस काम नहीं कर पाती और फिर टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ने के बाद इन्होंने अपना नाम नाइनटीन में चेंज करके रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा फिर इन्होंने रिफाइनरी में एंटर किया आज मेजॉरिटी इनका जो इनकम आता है वो रिफ़ाइनरी से आता है 1985 में भी इन्होंने डिबेंचर्स के जरिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा रेज किया सो so, ये कंटिन्यूसली रेज़ मनी फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स हम जैसे लोगों से और वहाँ से फिर बिजनेस बढ़ा है एंड दिस इज़ नॉट द ओनली एग्जाम्पल इन्फोसिस तो सबको पता है इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट आई कंपनी ठीक है यही पुणे से इसकी शुरुआत हुई थी बाद में इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर हुआ उसकी अगर बात करें तो 1993 में जब उनको भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तो उनके लिए भी एक ही तरीका था ईज़ी वो था स्टॉक मार्केट ठीक है बैंक को तो अगेन एसेट्स चाहिए और तो बैंक में बहुत ज़्यादा कैपिटल रेज करना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है अगर आप अर्ली स्टेज में है तो बट स्टॉक मार्केट से उन्होंने पैसा रेज़ किया एंड उनका आई तो आपको बताऊँ कि ढंग से सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था उनका आई ठीक से सब्सक्राइब नहीं हुआ था लेकिन फिर भी जब शेयर लिस्ट हुए तो अगेन शेयर होल्डर्स का जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा और वहाँ पर चीज़ें फिर आखिर बन गई उनकी और वहाँ से जो बिजनेस बढ़ा है अगर किसी ने मतलब दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स अगर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हर कंपनी में ऐसा मिलेगा बट जिन जिन लोगों ने दस दस हज़ार रुपये भी उसमें इन्वेस्ट किए थे उस टाइम जो कि ऑफकोर्स थोड़ी बड़ी अमाउंट भी थी दे मेड इलाड लराउंड टेन इलेवन करोड़ इन द नेक्स्ट ट्वेंटी 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 फाइव थर्टी ईयर्स सो दैट वॉज अ केस विध इन्फोसिस तो ये कई सारे बिज़नेसेस हैं अब इन्फोसिस की बात करें तो थ्री लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड इनके फिलहाल करंट एम्प्लॉइज़ हैं ओवरऑल और ऑर्गेनाइजेशन और की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो स्केल है इतने सारे लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है इतना सारा बिज़नेस बढ़ रहा है तो काफ़ी सारा क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं कही रिटेल इन्वेस्टर्स को जाता है जिनको उसका क्रेडिट कभी नहीं मिला दिज ऑर द पीपल आई थिंक हु चेंज द मार्केट हु चेंज द स्टॉक मार्केट हु चेंज द पर परसेप्शन ऑफ द पीपल और उनकी वजह से धीरे 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 आज हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट मतलब ठीक है मतलब उतना रिस्की हम नहीं समझते बिकॉज अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा है और समझ भी काफ़ी ज़्यादा है बट देट वॉज नॉट द केस इन नाइनटीन सेवनटीज़ नाइनटीन एटीज़ सो फिर आए फिर मार्केट में क्या हुआ फिर अर्ली स्टेज था फिर uh, क्योंकि अब कंपनीज आने लगी थी बहुत सारी रिलायंस का सक्सेस देख बाकी कई सारी कंपनीज के आई आए उन्होंने भी स्टॉक मार्केट से पैसा रेज किया उनके बिजनेस भी बढ़ रहे थे तभी फिर मार्केट में आने लगे कुछ ऐसे लोग जो स्टॉक प्राइसेस को मिनिपुलेट करने लगे कि चलो एक ऐसा जरिया है जिसको मतलब हर एक चीज़ होती है उसका आप सही उपयोग भी कर सकते हैं गलत उपयोग भी कर सकते हैं तो कुछ कंपनीज ने उसका सही उपयोग किया पैसा रेज करने के लिए और फिर कुछ लोग थे जिन्होंने फिर देखा कि इसको कैसे हम मार्केट को मिनिपुलेट करके पैसा कमा सकते हैं और ये स्कैम 1992 आप में से कई सारे लोगों ने देखा ही होगा तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा सो एल जस्ट कीप दैट पार्ट आप अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना सो तो इन्होंने फिर क्या किया कि इनका काम था कि स्टॉक प्राइस को गिराना और गिरा के पैसा कमाना तो जो लोग स्टॉक प्राइसेस को गिराते हैं उन्हें कहते हैं बेयर तो मनु मानिक वॉज अ बेयर फिर आते हैं हर्षद मेहता फिर हर्षद मेहता ने देखा कि स्टॉक मार्केट को तो सिर्फ गिरा के ही पैसा नहीं कमा सकते उसको बढ़ा के भी पैसा कमा सकते हैं एंड ही मेड मनी उन्होंने स्टॉक प्राइसेस को बढ़ाया ऊपर बहुत सारा पैसा डाल के तो ही वॉज अ बुल ठीक है स्टॉक मार्केट में ये थोड़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं आपको शायद देखने में क्योंकि किसी को अगर कोई ऐसा ही बोल दे कि यार तुम बैल हो बुरा लगेगा और स्टॉक मार्केट दिज आर वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजीज कि अगर आपका ये ओपिनियन है कि स्टॉक मार्केट विल गो अप तो आप है बुल और मिस्टर झुंझुनवाला वॉज अ बिग बुल बिकॉज ही ऑलवेज बिलीवड कि स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी हमेशा ऊपर ही जाएगी और उसी बिलीव के ऊपर उन्होंने फिर पैसा भी कमाया तो अगर आप यही सोचते हैं कि ठीक है ये पर्टिकुलर शेयर ऊपर जाएगा या पर्टिकुलर ओवरऑल पूरा मार्केट ऊपर जाएगा तो यू आर बुल और अगर आपको ऐसा नहीं लगता अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगा तो यू आर अ बेयर ठीक है भालू है फिर आप <laughs> तो, तो यही टर्मिनोलॉजीज है बेसिकली तो so, हर्षद मेहता यही था कि हर्षद मेहता ने बोला कि ठीक है प्राइसेस हम ऊपर लेके जाते हैं और इन्होंने प्राइसेस को मनीपुलेट करना शुरू किया ए तो जो सीमेंट कंपनी उसकी प्राइस दो सौ से इन्होंने ग्यारह हज़ार पर लेके गए फिर वहाँ पर वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थे लेकर आए सो इट इज़ अ वेरी क्रेजी टाइम एट दैट टाइम तो हर्षद मेहता ने फिर वो वो इन्होंने मतलब यही है कि एक बंदा उधर से मनीपुलेट कर रहा था एक बंदा उधर से मनीपुलेट कर रहा था बीच में कोई फंस रहा था तो वो था एक आम इन्वेस्टर ठीक है तो कहने मतलब इनके बारे में अपने मतलब सुचित दलाल की बुक भी आई थी जिस पर ये स्कैम नाइनटीन नाइनटी टू भी आया तो काफ़ी सारे लोगों को पता चला बट तो ओवरऑल अगर डिटेल में आपको बताओ तो इसमें जो आम इन्वेस्टर्स हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ इन लोगों ने तो मतलब दे लाइक इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी इनके पास भी सॉरी इनके पास भी कुछ बड़ा बड़ा पैसा इन्होंने भी छाप लिया तो उन लोगों ने तो बहुत पैसा छाप लिया फाइट वाइट में लेकिन बीच में कोई फंसा तो एक आम इन्वेस्टर था तभी फिर गवर्नमेंट की नींद खुली और गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पर सभी को चीज़ों को कुछ बेटर बनाए इन्वेस्टर के लिए एक सेफ प्लेस बनाए और तभी उसी टाइम एक चीज़ ये भी देखने में आई कि उस टाइम जो बी एस अ वेरी बिग स्टॉक एक्सचेंज मेनली कारोबार वहीं पर होते थे और फिर बी में आनंद राठी जो थे वो बी प्रेसिडेंट थे और ये जो स्कैम 1992 जब बाहर आया जिसमें पहले तो हर्षद मेहता वगैरह और कई सारे लोगों के नाम सामने आए उसमें आनंद राठी का भी नाम आया जो कि बी के प्रेसिडेंट ही थे तो सवाल ये बड़ा हो गया कि अगर बी के ही लोग इसमें शामिल हैं उन पर आरोप लगे थे ऐसे कि अगर बी एस के ही लोग शायद अगर इसमें शामिल हैं तो फिर बाकी लोगों का क्या तो इसी फिर यहाँ पर ज़रूरत लगी गवर्नमेंट को कि काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी एंड उसके हिसाब से फिर वहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि एक रेगुलेटर आना चाहिए देख रेगुलेटर ऐसा जो एक आम इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचे ठीक है उसको सेफ़ रखे कि उसके साथ कोई स्कैम नहीं होना चाहिए उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और उसके लिए फिर सेबी की स्थापना हुई 1992 में अब एक्चुअली ये जो अप्रोच था ये थोड़ा रिएक्टिव अप्रोच था अगर हम आर की बात करें तो जो कि बैंक्स का रेगुलेटर है तो आर की स्थापना हुई थी नाइनटीन में और फिर उसकी स्थापना भी मतलब थोड़ा वो प्रोएक्ट प्रोएक्टिव अप्रोच हम कह सकते हैं कि कुछ स्कैम होने से पहले उनको लगा कि एक रेगुलेटर होना चाहिए जो इन चीज़ों पर ध्यान दे लेकिन स्टॉक मार्केट अब इतने सालों से चल रहा था बी की शुरुआत 1876 के करीब हुई थी एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बट फिर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है फिर बाकी स्कैम से मनीपुलेशन उसे रोकने के लिए फिर उन्हें समझ में नहीं आया फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें हुई तब उन्हें लगा कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे और फिर लोगों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखे तभी तो आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा नहीं तो क्यों रिस्क लेगा अगर ऐसे ही कुछ मनीपुलेशन चलता रहा तो और इसीलिए फिर सेबी की स्थापना हुई पर सवाल ये आता है कि फिर सेबी तो आया कि ठीक है स्कैम नहीं होने चाहिए आम इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होना चाहिए बट क्या उसके बाद में ये जो मनीपुलेशन है ये रुके बिग क्वेश्चन ठीक है रुके तो काफ़ी हद तक रुक गए सो so, इसका जवाब है हाँ काफ़ी हद तक रुक गए और काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा भी हुआ है आम इन्वेस्टर्स को इंडियन इकोनॉमी और आज भी मतलब हम कैपिटल मार्केट देखते हैं और ओवरऑल सिक्योरिटीज़ मार्केट को अगर हम देखते हैं तो हम आज एक बहुत बेटर पोजिशन पर हैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर है आज डिपेंडेंसी नहीं है मतलब दस साल पहले काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज होती थी फ़ॉरन इन्वेस्टर्स पर फ़ॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर जिन्हें एफ़ कहते हैं लेकिन आज में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो उसका क्रेडिट है कि सेबी ने टाइम टू तो टाइम लोगों के खिलाफ एक्शन भी ली है लेकिन ये कहना गलत है कि पूरी तरह से मोनिपुलेशन बंद हुआ बिकॉज उसके तरीके बदलेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता वो बंद होगा कभी तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक इन्वेस्टर को भी अवेयर होना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि मनीपुलेशन होता कैसे है और उससे अवेयर कैसे हो आज नहीं तो फिर आप भी इसमें कभी ना कभी फंसी जाएंगे तो हाँ मनिपुलेशन पूरी तरह से तो रुकना बहुत मुश्किल है और जो सबसे कॉमन मनीपुलेशन चलता है मार्केट में आज के दिन जो चल रहा है उसका नाम है पम्प एंड डम्प द मोस्ट कॉमन स्टॉक मार्केट मनीपुलेशन स्ट्रैटेजी अब इसको आप भी इजीली पकड़ सकते हैं और उसी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ ताकि मतलब सिर्फ ये नहीं है क्योंकि देखिए एक रेगुलेटर का काम होता है कि चीज़ों को पकड़ना बट कई बार वो टाइम पर नहीं पकड़ पाते और लोग भी फंस जाते हैं उसमें और टाइम टू टाइम हमने देखा है कि कई सारे लोगों का पैसा फंसा है मैं आपको कुछ रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ लेकिन पम्प एंड डम्प से जाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ स्क्वीड गेम का अब ये जो स्क्वीड गेम है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी पम्प एंड डम्प ही था तो दो साल पहले ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा जब क्रिप्टो का बूम चल रहा था तो ऐसे में कुछ लोग बड़े स्मार्ट लोग डेवलपर आए और उन्होंने बोला कि हम स्क्वीड गेम नाम के क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं तो स्क्विड गेम भी चल रहा था तो इन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी भी लाई है सो एवरी थिंग वेरी इंटरेस्टिंग अब इन्होंने ये जो करेंसी जो लाई इसकी कुछ फीचर्स थे कि आपको यहाँ पर गेम्स खेलने मिलेंगे और अगर आप इनमें जीतते हैं तो आपको मिलेंगे मार्बल्स ठीक है और प्राइज़ेस भी आपको मिलेगी मार्बल्स भी मिलेंगे आपको प्राइजेस भी मिलेगी तो एवरी वन वेरी क्यूरियस कि यार ऐसी क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर प्राइज़ेस जीत सकते हो पैसा मिलेगा आपको तो लोगों ने इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया तो आप देख सकते हैं तो इन्होंने बहुत ये जो डेवलपर्स थे स्क्विड गेम्स के इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट किया इसको सभी को लोगों ने भी बहुत पैसा डाला और फिर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो धीरे 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 ऊपर चली गई अब हुआ ये कि शुरुआत के टाइम ही मतलब जो बहुत अर्ली स्टेज था जहाँ पे लाइन फ्लैट है उसी टाइम पर जो डेवलपर है उन्होंने खुद के लिए बहुत सारे जो कॉइन्स है वो खरीद के साइड में रख दिए अपना अपना उन्होंने साइड में रख दिया और किसी को उसके बारे में पता नहीं चला अब जब लोगों ने इसको खरीदा तब लोगों को पता चला कि हम इसको जब बेचने जा रहे हैं तो बेचे नहीं जा रहे थे उन्होंने एक बार कोशिश की दो बार कोशिश की वो बेचे नहीं जा रहे तब उनको पता चला कि इसको अगर बेचना है हमें तो हमें कुछ मार्बल्स लगेंगे और मार्बल्स आपको कब मिलेंगे जब आप कोई गेम जीतेंगे तो तो फिर ये गेम जीतने के लिए गेम खेलने गए तो इनको पता चला कि यहाँ तो कोई गेम ही नहीं है <laughs> यहाँ पर कोई गेम नहीं था ठीक है तो आप मार्बल जीत ही नहीं सकते मार्बल भी नहीं प्राइज भी नहीं और मार्बल ही नहीं जीतोगे तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे तो लोगों को लगा कि यार ये तो फंस गए लोग पूरी तरह से फंस गए उसमें फिर ठीक है फिर उन जो जिन लोगों ने बहुत पहले जिन डेवलपर्स ने गेम बनाया था इन्होंने फिर बहुत बेसिक प्राइस से बहुत कम प्राइस पे खरीद लिया था और जब ये लगभग ट्वेंटी हंड्रेड डॉलर का हो गया एक स्क्विड गोया स्क्विड गेम का आ, क्रिप्टो तब इन्होंने उसे बेच दिया फिर ये जो प्राइस है ये एक ही दिन में नाइन्टी गिर गई लोगों का पैसा डूब गया डेवलपर्स ने मिलियन डॉलर रातों रात कमा लिए सो दैट वॉज अ केस तो इसको कहते हैं क्लासिक पम्प एंड डम्प्स के अगर हम इसे थोड़ा अलग एंगल से देखें तो लोगों ने क्या किया कि आप ही सोचिए ना कि अगर ऐसे फ्री में कौन प्राइज देगा ठीक है तो देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड नॉट एट ऑल तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे तो आपका ये अजमशन भी गलत है कुछ फ्री में नहीं मिलता इस दुनिया में ठीक है हर चीज़ की एक प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ेगी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो ये इनडायरेक्टली इनको पे करनी पड़ी प्राइस तो दिस वॉज अ क्लासिक केस एंड देन जब हम आए मतलब बहुत पहले की बात है तो ये जो करने के तरीके इसके अलग अलग है ये चार साल पाँच साल पुराने केस है साई बाबा इन्वेस्टमेंट की अब इस कंपनी में क्या हुआ कि इस कंपनी के ना कई सारे मैसेजेस आने लगे लोगों को इस तरह से बहुत पहले होता था कि अब ये तरीके बदलते रहते हैं पंप एंड डम स्कीम जो है ये मनी है इसके तरीके बदलते रहते होगा एक ही आपके साथ तो होता ये था कि इस तरह के मैसेजेस आते थे आपको कि दलाल स्टेट इन्वेस्टमेंट जर्नल ने अब उन्होंने सजेस्ट किया नहीं किया किसी को नहीं पता बट मेंशन कर दो क्या होता है तो वही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों को नाम अच्छे अच्छे मैगजीन्स का लेंगे तो तो दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल पॉप स्टॉक्स भाई साहिबाबा इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल और इक्कीस रुपये के अभाव आप खरीदो टारगेट अट्ठाइस का है स्टॉप लॉस बीस रुपये का लगा दो मिनिमम क्वान्टिटी ले, ले लो छः हज़ार पाँच सौ ठीक है उससे कम नहीं लेनी आपको तो और लोग ले लेते हैं मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड बट हाँ लोग ले लेते हैं फिर इन्होंने बोला कि डबल योर मनी इन जस्ट वन ट्रेड और लोगों को लगा यार हो जाएंगे डबल तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा तो बाय बारह हज़ार पाँच सौ क्वान्टिटी क्वान्टिटी आपको बड़ी लेनी है और टारगेट तीस रुपये का है तो इस कंपनी के इन्होंने पम कर कर के, कर, कर के करके ये लेके गए एकदम तीन सौ चार सौ रुपये पर लेके गए ये लोग एकदम पम कर के करके और फिर जिन्होंने मतलब लोग क्या करते हैं इसको चलाने का सिस्टम पता है आपको कैसा है सिंपली यहाँ पर जब किसी कंपनी देखिए अब ये जो कंपनी थी जब इसकी प्राइस कम थी तब आप बहुत सारा पैसा डाल दो एक दो करोड़ रुपये छोटी छोटी कंपनी इसमें एक दो करोड़ रुपये भी डाल दोगे तो प्राइस पम्प हो जाती है तो एक दो करोड़ रुपये डाल को डाल के प्राइस थोड़ी पम करो फिर लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि प्राइस तो बढ़ रही है और डालते हैं पैसा एकदम पीक में चले जाए तो जिन्होंने पहले पैसा डाला है ऑपरेटर्स कहते हैं उनको वो पैसा निकाल लेते हैं फिर बचते हैं आप और आप जैसे बाकी लोग जो इस स्कैम में फंसे हैं और फिर उसके बाद वो एग्जिट करते हैं फिर शेयर प्राइस इस तरह से गिर जाती है अगर हम इसको देखें तो जब ये स्कैम किया गया जब ये लोगों को बताया गया कि इसकी टारगेट प्राइस तीस रुपये है आपका डबल पैसा कर लो उस टाइम कंपनी कई बार लॉसेस फेस कर रही थी तो ये देख रहे हो आप 2018 में लॉसेस हैं और उससे पहले भी ये जो प्रॉफिट भी आप देखोगे कभी एक करोड़ के ऊपर गया नहीं और ये पंप एंड डम करके इन्होंने कंपनी का मार्केट कैप कर दिया था तीन करोड़ का एक करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं है और कंपनी का वैल्यूशन कर दिया तीन करोड़ का मतलब मैं आगे आपको वैल्यूशन में बता दूंगा कि किस तरह का ये क्रेजी वैल्यूशन था बट किसी ने ये चेक ही नहीं किया किसी ने समझना सम जरूरी नहीं समझा कि यार इससे क्या ही करना है? किसी ने बोल दिया तो कर लेते तो इसमें देखिए स्कैम इस करने वाले हज़ारों लोग आएंगे आपके पास बट आपको भी पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है आप ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर इस केस में क्लियरली हमें पता है कि लोगों ने ट्रस्ट किया लोगों ने ट्रस्ट किया उन्होंने जो भी प्राइस थी उस पर ख़रीदा और फिर उनको काफ़ी भरी भरी लॉसेस भी हुए जबकि बिजनेस में तो कुछ ग्रोथ हुई नहीं थी तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में आप यही समझेंगे कि बेंजामिन ग्राहम अगर आपको अपने नाम सुना हो तो तो बेंजामिन ग्राहम जो थे उनसे वॉरन बफेट ने स्टॉक मार्केट सीखा काफ़ी हद तक और उनकी बुक्स भी है काफ़ी फेमस द सिक्योरिटी एनालिसिस है और उसके बाद uh, जिसे बाइबल कहते हैं वो कौन सी है इन्वेस्ट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी बुक है ऐसी तीन बुक है उनकी आप बट एकदम आप जब तक काफ़ी अच्छे नहीं सीख जाते तब तक मत पढ़िए क्योंकि उसमें काफ़ी एडवांस लेवल पर बातें की गई हैं तो उन्होंने ये कहा है कि स्टॉक मार्केट को अगर समझने का एक ही सेंटेंस में उन्होंने स्टॉक मार्केट को समझा दिया है कि इन द शॉर्ट रन इट इज़ लाइक अ वोटिंग मशीन एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ लाइक अ वेइंग मशीन स्टॉक मार्केट को शॉर्ट रन में देखोगे आप तो बिजनेस कहीं पर भी हो आड़ा जा रहा है तेढ़ा जा रहा है ऊपर नीचे उसके शेयर प्राइस का उससे कोई रिलेशन नहीं है बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अगर बिज़नेस बढ़ रहा है तो ही शेयर प्राइस बढ़ रही है अगर बिजनेस नीचे जा रहा है तो शेयर प्राइस नीचे जा रही है किंग फिशर एयरलाइंस में आप इन्वेस्ट करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस नीचे जा रहा है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होगा सेम इज़ द केस कोई भी कंपनी ले लो आप लॉन्ग टर्म में अगर उसका बिजनेस बढ़ा है तभी पैसा बना है दिस इज अ वेरी सिंपल रिलेशन और कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट को आप यही समझो तो यही है कि बेंजामिन बेंजमिन का यही कोट आप ध्यान में रखो और यही आपको पूरी तरह से बताता है तो साई बाबा का ये केस हो गया इन्होंने सेल ऑफ वगैरह कर दिए लोगों का पैसा डूब गया फिर रिसेंट केस अभी आई थी जिसमें अरशद वारसी का नाम आया था अगर आपने सुना हो तो अब इसमें भी यही हुआ कि ये जो साधना ब्रॉडकास्ट है ये साधना टीवी चलाती है और इन्होंने क्या किया कि कंपनी के कुछ प्रमोटर्स मतलब सेबी ने इसका एक रिपोर्ट जारी किया है वर्डिक्ट है वो उनका और उस वर्डिक्ट में उन्होंने बोला है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका नाम आया उसमें अरशद वारसी का भी नाम आया अरशद वारसी ने कहा फिर ट्वीट करके कि मुझे तो स्टॉक मार्केट का कुछ भी पता नहीं है और मुझे मेरा तो उल्टा पैसा चला गया इसमें बट सेबी का कुछ अलग कहना था सेबी का ये कहना था यहाँ पर कि अर्षदवार सिंह ने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए अराउंड उनकी फैमिली ने 67 लाख रुपीज़ कमा लिए और कंपनी के प्रोमोटर्स ने भी बहुत सारे पैसे कमा लिए तो ये पंप एंड डंप मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ लास्ट वाले में एसएमएस था लेकिन अब दुनिया बदल गई है ये जो इस कैम है छः महीना पहले का है यहाँ पर क्या हुआ जब ये प्राइस दस रुपये के करीब थी तब इन लोगों ने दो यूट्यूब चैनल शुरू किए उन यूट्यूब चैनल पर एक करोड़ रुपये की एड लगाई और ऐड में क्या बताया गया कि साधना ब्रॉडकास्ट को यूएस की कंपनी से चार मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अब भी इन्वेस्ट करो पैसा डबल हो जाएगा किसी ने ये वेरीफाई नहीं किया कि सही में मिल रहा है क्या और मिल रहा है तो सही में बिजनेस को फ़ायदा होगा क्या फाइनेंशियल्स में कुछ नहीं दिख रहा है नथिंग एट ऑल पीपल बिलीव इट कि चलो किसी ने ऐड डाल के बोला है तो हम खरीद लेते तो दस रुपये पर लोगों ने खरीदना शुरू किया फिर प्राइस बढ़ गई थर्टी थ्री रुपीज़ पर अब प्रमोटर्स को लगा कि तीन गुना प्राइस बढ़ गई है इतना पैसा बस है इन्होंने शेयर्स डम करना शुरू किया फिर जिन लोगों ने उन्हें हेड्स की मानी तो अरशद वारसी की जो सेलिंग प्राइस थी उन्होंने अरशद वारसी ने भी अराउंड दस रुपये के करीब ख़रीद लिया था ट्वेंटी फोर रुपीज़ के आसपास बेच दिया ही ईल्सो मेड मनी अकॉर्डिंग टू सेबीज वर्ल्ड एक्ट और ये सारी सेबी की रिपोर्ट की बातें हैं मैं अपनी कुछ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर तो और यहाँ पर ये सेलिंग पॉइंट करके फिर आज जो शेयर प्राइस है वो पाँच रुपये के करीब है सो दोज ही इन्वेस्टेड दस रुपये पंद्रह रुपये बीस रुपये तीस रुपये पे उनका पैसा डूब गया और यहाँ पर भी अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देखते साधना ब्रॉडकास्ट तो इट्स अ कभी प्रॉफिट कभी लॉस और इनका भी प्रॉफिट कुछ बढ़ा नहीं जब इन्होंने बोला कि ये होने वाला है वो होने वाला है तो अल्टीमेटली यही है कि बिज़नेस तो कुछ बढ़ा नहीं लोगों ने ट्रस्ट कर लिया लोगों ने ट्रस्ट कर लिया लोगों का पैसा डूब गया तो से ने इन लोगों पर तो एक्शन ले लिया अभी अर्शद वारसी को कुछ सालों के लिए आई थिंक परमानेंट बैन किया है स्टॉक मार्केट से जो बाकी लोग आए उन पर भी अभी चल रही है इंक्वायरीज़ वगैरह बट अगर हम बात करें उन लोगों के जो फंस गए उनके बारे में उनको नहीं मिलता पैसा अपना ठीक है वो पैसा गया तो आपको भी मतलब इट्स जस्ट अ टू वे थिंग मतलब ताली कहते हैं ना एक हाथ से नहीं बचती तो ऐसे ही आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है तो स्टॉक मार्केट में इट्स नॉट अबाउट जस्ट फाइंडिंग द राइट कंपनी इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको ये ऐसे गलत जो चीजें हैं इनको भी अवॉइड करना है और इसलिए और ये कब होती है जब आपकी डिपेंडेंसीज है किसी ने आपको बोला इसीलिए आपने खरीद लिया राइट तो डिपेंडेंसीज आप डिपेंड हो किसी पे तो आपको डिपेंड रहना ही नहीं है आपको किसी पर स्टॉक मार्केट में डिपेंड रहना है जब डिपेंडेंसीज आएगी ऐसी चीजें होती रहेगी और जब तक डिपेंडेंसीज है मार्केट में ये चीज़ें कभी बन नहीं होने वाली आगे चल के मे बी एक साल बाद में सेशन लूंगा तो इसमें चार पाँच और नए एग्जाम्पल्स ऐड हो जाएंगे ट्रिक अलग हो जाएगी तरीका एक ही हो मतलब तरीके बदल जाएंगे बट अल्टीमेटली होगा यही पंप एंड डम्प दे विल मेक मनी यू विल लूज़ मनी तो अब ये सवाल आता है कि ये जो सारी कंपनीज़ हैं साधना है या फिर साई बाबा इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह तो इसमें एक कॉमन चीज़ आती है वो क्या है कि ये सारी कंपनी जो है वो पेनी स्टॉक्स हैं तो इस तरह के मनीपुलेशन जो होते हैं वो मेनली पेनी स्टॉक्स में होते हैं अब ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा मार्केट कैप को समझना पड़ेगा अब मार्केट कैप को समझना है तो उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछ लेता हूँ तो आप फटाफट जवाब दीजिए और बताइए मुझे सो so, इंडिया में फ़िलहाल एम एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर प्राइस फ़िलहाल सबसे ज़्यादा है ठीक है एटी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ एक शेयर के बस और फिर दूसरी जो कंपनी है जिसके शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा है वो है पेज इंडस्ट्रीज़ जिसकी प्राइस है थर्टी नाइन थाउजेंड तो अभी आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से अगर मैं आप आपसे पूछूँ कि एम आर एफ है और पेज इंडस्ट्रीज है इन दोनों में से सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है देगे देगे। तो ये किस बेसिस पर आपने बताया मार्केट कैप राइट सो सेम चीज़ अगर हम टी सी एस रिलायंस में देखें तो रिलायंस की शेयर प्राइस है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड टी सी एस की है थर्टी वन हंड्रेड बट इसका ये मतलब नहीं है कि टी सी एस की शेयर प्राइस ज़्यादा इसलिए टी सी एस बड़ी है राइट और सेम चीज़ अगर हम एप्पल और बख्शायर का कंपैरिजन करें तो बख्शा हैतावे कि एक शेयर की प्राइस है 496,000 डॉलर और वही अगर हम एप्पल के शेयर की बात करें तो 165 डॉलर है अगर हम रुपी में कन्वर्ट करें तो है तो हैतावे क्लास ए शेयर लगभग तीन करोड़ का शेयर है ये एक और फिर एप्पल है वन डॉलर का तो शेयर प्राइस के हिसाब से एप्पल की शेयर प्राइस सबसे कम है मतलब काफ़ी कम है इससे बख्शा हैतावे से बट इसका ये मतलब नहीं है कि बख्शा हुए बढ़ाए इट डजेंट मीन दैट तो वो आपको पता चलता है कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से तो जनरली कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ये थोड़ा डेटा मे भी थोड़ा पुराना है तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया में वो मतलब उसका कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है लेकिन जो भी कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैप <coughs> एक लाख करोड़ के ऊपर है यू कैन कॉल देम लार्ज कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज लाइक वेरी बिग कंपनीज लाइक एस ले लो एच बैंक ले लो आई बैंक है टी सी एस कोटक महिंद्रा बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आई टी सी मेनीमोर ये सारी कंपनीज आती हैं लार्ज कैप कैटेगरीज़ में फिर आती हैं मिड कैप जिसमें आप कह सकते हैं कि मार्केट कैप बिटवीन थर्टी फोर्टी थाउजेंड करोड़ टू वन लाख करोड़ ये आती है मिड कैप सेगमेंट फिर आती है स्मॉल कैप सेगमेंट जिसमें आपका मार्केट कैप जो होता है जनरली वो पाँच हज़ार करोड़ से आप पकड़ लो बीस तीस हज़ार करोड़ तक तो होता है फिर आते हैं माइक्रो कैप जिनका मार्केट कैप एक हज़ार करोड़ से पाँच हज़ार करोड़ तक तो होता है और फिर आते हैं पेनी स्टॉक जिनका मार्केट कैप बहुत कम होता है हज़ार या पाँच करोड़ से भी कम होता है कुछ कुछ का तो दो तीन करोड़ भी होता है तो मार्केट कैप का सिंपल फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने जैसे देखा कि एमआरएफ के शेयर प्राइस तो बहुत ज़्यादा है बट नंबर ऑफ शेयर्स कम है इसलिए उसका मार्केट कैप कम है ठीक है तो और सेम चीज़ अगर हम इसकी बात करें रिलायंस तो इंडस्ट्रीज़ की तो शेयर प्राइस हालाँकि कम है बट उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा हैं बहुत इसलिए उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है सो दैट इज़ अ बेसिक थिंग अबाउट मार्केट कैप सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर तो कंपनी के साइज़ आपको शेयर प्राइस से नहीं पता चलती वो पता चलती है मार्केट कैपिटलाइजेशन से उससे आपको पता चलता है कि कंपनी के साइज़ कितने हैं अब बढ़ते अपनी वापस 1992 को लौटते हैं जब हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ फिर से भी आया और फिर उन्होंने देखा कि यार अगर बी का प्रेसिडेंट भी अगर इन जैसी चीज़ों में शामिल है तो एक और एक्सचेंज की ज़रूरत है मार्केट में फिर शुरुआत हुई एन की फिर एनआई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश इन 1992 इनका ऑपरेशन 94 में शुरू हुआ और और फिर सेबी ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की इसके साथ ही और वो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इन्होंने एनएसडीएल लाया एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और यहाँ पर एनएसडीएल को लाने का मकसद ये था कि ये आने से पहले सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड में होती थी फिर शेयर सर्टिफिकेट होते थे वगैरह वगैरह पानी गिर गया तो दिक्कत है गुम गए तो पैसे चले गए बड़े बड़े प्रॉब्लम आते थे उनकी वही डिलीवरी करो ये करो जैसे हमने पोस्ट ऑफिस की भी बात की पहले तो वो सारी चीज़ें करके इन्होंने सिस्टम को ऑनलाइन किया ताकि कई सारे प्रॉब्लम्स हट जाए और 95, 96 के आसपास इन्होंने चीज़ों को ऑनलाइन करना शुरू किया और डी शेयर्स किया पूरे ऑनलाइन फॉर्मेट में तो डी शेयर्स की बात करें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी दो चार क्लिक में यू कैन बाय सेल द शेयर्स दो चार क्लिक में यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट अब बात आती है कि फिर शेयर खरीदने कैसे हैं ठीक है तो आपको ऐसे आप सीधे एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते कि मुझे शेयर बाय करने हैं आपको स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता है अब ये जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं ये आपको डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं यानी कि जब आपको सेविंग अकाउंट खोलना है तो आपको बैंक के पास जाना होता है वैसे डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको इनमें से जो इंडिया में पाँच से ज़्यादा स्टॉक ब्रोकरस हैं उनमें से किसी के पास जाकर आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और एक इंडिविजुअल मल्टीपल डीमेट अकाउंट भी खोल सकता है जैसे आप अलग अलग बैंक्स में अपना खाता खोल सकते हैं वैसे आप अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के पास भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो तो जैसे आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको लॉग इन डिटेल्स मिल जाते हैं तो आप आसानी से पैसे वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और उन पैसों से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर उतनी ही आसानी से आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो और जनरली जो पैसे विड्रॉ आपको करने हैं वो जिस दिन आप विड्रॉ करते हो उसके अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं जनरली अगर वो बिज़नेस डे है तो तो इस तरह से बहुत ही सिंपल ये प्रोसेस है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बस अगर कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है तो वो ये रहता है कि कहाँ पर अपना डिमेट अकाउंट खोलें कौन से स्टॉक ब्रोकर को चुनें तो इस वीडियो को अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने जो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं उनकी लिंक्स डाली है तो वहाँ से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और उसी लिंक से अगर आप अपना डिमैट अकाउंट खोलते हो तो आपको एक्सेस मिलेगा फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद का जहाँ पर चार से पाँच फुल्ली एनिमेटेड कोर्सेस का फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा साथ ही इस क्लब में दस हजार से भी ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज आपके सव, जो सवाल है वो पूछ सकते हैं और फिर हमारी टीम उसे रिप्लाई करेगी साथ ही ये जो पूरी कम्युनिटी है ये एक दूसरे की मदद करते रहते हैं यानी किसी को कुछ पर्टिकुलर नॉलेज शेयर करना है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं आपको कुछ सवाल पूछना है या फिर अपना कुछ नॉलेज शेयर करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं जनरली हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी बड़ी लोनली होती है इन्वेस्टमेंट करने वाले जनरली हमारे आसपास नहीं होते हैं तो इससे लिए ना दूसरों की गलतियों से सीखने मिलता है ना अपनी गलतियां दूसरों के साथ शेयर करने का मौका मिलता है और फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद की शुरुआत की थी और यहाँ पर हमारे अभी जो जैसा सेशन है ऐसे कई सारे ऑफलाइन सेशन भी होते हैं तो उनका भी एक्सेस आपको फ्री में मिल जाता है तो इन सारे बेनिफिट्स के लिए आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं नीचे दी गए लिंक पर क्लिक करके और जनरली जो ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस है हार्डली पाँच मिनट की प्रोसेस है अब अगला सवाल ये आता है कि शेयर्स को बाय सेल कैसे करें तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद जब आप लॉग इन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलता है अब इसमें जिस किसी शेयर को आपको खरीदना है उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक सब लोगों को पता है इसलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये किसी भी तरीके से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है ठीक है तो देखिए सरकारी कंपनी की बात निकल कर आई है तो आपको बताता हूँ कि सरकारी कंपनीज़ नौकरी के लिए शादी के लिए अच्छी हो सकती है पर इन्वेस्टमेंट के लिए कई बार मतलब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना खास नहीं रहा है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज़ तो ये भी सारी चीज़ें ऑफ कोर्स डिपेंड कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे जब हम एनालिसिस पर जाएंगे तो यहाँ पर इस सर्च बॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंटर करने के बाद हमें कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश का ऑप्शन है फ्यूचर्स ऑप्शन इंडाइसिस तो सेंसेक्स निफ्टी ये सारे इंडाइसिस होते हैं वहीं पर जो फ्यूचर्स ऑप्शन है वो डेरीवेटिवस का पार्ट है जिन्हें हम ये जो बिगिनर सीरीज है हमारी ये पूरी होने के बाद इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में तो जो भी नॉर्मल शेयर्स आप बाय करते हैं यानी हज़ार रुपये आपने दिए हज़ार रुपये के शेयर्स खरीद लिए ये सारे आते हैं कैश मार्केट में तो अब जैसे आप यहाँ पर कैश पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं एक है एस बी जो कि एस का कोड है नीचे लिखा है एन एस एक्विटी दूसरा ऑप्शन है एस बी आई एन बी एस सी ए क्लास तो देखिए बी एस सी पर अलग अलग क्लासेस है शेयर्स के तो उसमें एस बी आई क्लास ए में आता है ऐसे क्लास बी और, और भी कई सारे क्लासेस हैं लेकिन उन क्लासेस को समझने की फिलहाल कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है क्यों आपको थोड़ा आगे पता चलेगा तो अब देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो ही जाता है कि एक ही शेयर है वो दो दो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है तो कहां पर बाय करें एनएसई पर या फिर बी पर तो आपको थोड़ा डेटा दिखा देता हूं तो देखिए किसी भी शेयर का किसी पर्टिकुलर दिन का वॉल्यूम आप देखते हो तो वो हमें यह बताता है कि उस दिन कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उस कंपनी के तो यहाँ पर अगर हम एन की बात करते हैं पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज की डेट में अब तक वन करोड़ ट्वेंटी सेवन लैख एटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स शेयर्स ट्रेड हुए हैं और ये नंबर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता ही चला जाएगा वही अगर हम बी पर नज़र डालते हैं यानी एन का जो फिगर है वो लगभग सवा करोड़ के करीब है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बी पर आज अब तक टू लैख टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी सेवन शेयर्स ट्रेड हुए हैं तो अगर हम इस नंबर को देखें तो एन पर जितने भी शेयर्स आज एस के ट्रेड हुए हैं उसके दो परसेंट से भी कम शेयर्स बी पर ट्रेड हुए हैं तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एन को प्रीफ़र कर रहे हैं ज़्यादातर जो शेयर्स की ट्रेडिंग है वो एन पर हो रही है और ऐसे में अगर आप बी पर चले जाते हैं ट्रेड करने तो लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इशू आपको कभी शायद फ़ेस करना पड़े तो इसीलिए आपको हमेशा एक्सचेंज में उसी को प्रेफर करना है जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो और फिलहाल की अगर हम बात करें आजकल की तो आजकल एन पर ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो इसीलिए आप बी एस सी और एन अगर दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो एन को प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एट ए टाइम शेयर बाय सेल कर रहे होते हैं इसीलिए थोड़ा आसान होता है शेयर्स को बाय या सेल करना तो यहाँ पर हम एस बी आई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में ये बॉक्स ओपन हो जाता है अगर आप मोबाइल ऐप की बात करेंगे तो वहाँ पर भी इंटरफेस लगभग कुछ ऐसा ही होता है अब यहाँ पर कई सारे अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे वन बाय वन आपको समझा देता हूँ तो एस के सामने ही आपको प्राइस दिख रही है जो कि एस की करंट प्राइस है और ये कंटिन्यूस चेंज हो रही है ये 574.15 है तो तुरंत ये बदल कर फाइव हो जाती है और ये कंटीन्यूसली चेंज होती रहती है दिन भर चलता रहता है मतलब जो मार्केट टाइमिंग है सवा नौ से लेकर साढ़े तीन बजे तक इस बीच ये सब चलता रहता है अब उसके नीचे आपको डिसाइड करना है कि आपको शेयर बाय करना है या फिर सेल करना है वो दो ऑप्शन वहां पर दिए गए हैं उसके नीचे मार्केट स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है ओपन और क्लोज यानी कि एस का शेयर आज सुबह जब मार्केट खुला तो किस प्राइस पर ओपन हुआ तो सुबह सवा नौ बजे जब आज मार्केट खुला तो उसकी प्राइस क्या थी 572.20 वही जो क्लोज है मतलब जो कल की आज तो अभी क्लोज होना बाकी है मार्केट तो कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी एस की वो कितनी है फाइव सेवेंटी टू पॉइंट टू जीरो रुपीज़ अब आप एक चीज़ पर शायद गौर कर रहे होंगे कि एस के सामने जो शेयर प्राइस है जो लगातार चेंज हो रही है उसके नीचे कुछ लिखा है नीचे लिखा है वन पॉइंट नाइन जीरो और ब्रैकेट में ज़ीरो पॉइंट थ्री वन परसेंट लिखा है तो इसका क्या मतलब है तो इसका ये मतलब है कि कल की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके कम्पेरेटिवली आज प्राइस कहाँ पर है तो कल की प्राइस कितनी थी फाइव अभी वो चली गई है फाइव के करीब यानी बढ़ गई है और इसीलिए वो आपको प्लस का साइन वहाँ पर दिखता है अगर ये एस बी के शेयर प्राइस फाइव जो कि कल की क्लोजिंग प्राइस है उससे कम होती तो फिर आपको वहाँ पर निगेटिव का साइन मिलता और कितने रुपये से वो कम है कल के कंपेरेटिवली वो भी आपको दिख जाता तो ओपन और क्लोज ये तो बड़ा सिंपल है उसके नीचे आता है अपर सर्किट लोअर सर्किट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम सर्किट्स को डिटेल में समझेंगे उसके नीचे आता है वॉल्यूम जैसे कि मैंने पहली आपको बताया कि कितने शेयर्स आज के दिन ट्रेड हुए हैं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो दोनों का मिक्स है एन और बी का और अगर आपको अलग अलग पता करना है कि एन पर कितने ट्रेड हुए बी पर कितने ट्रेड हुए तो मनी कंट्रोल की मदद से भी आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाकर तो वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि कितने शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और ये नंबर आप देख रहे हो लगातार बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो भी बढ़ते रहेंगे और इसीलिए वॉल्यूम भी आगे बढ़ता रहेगा उसके फिर बाजू में लिखा है एवरेज ट्रेडेड प्राइस यानी आज के दिन जो भी एस के शेयर्स बाय और सेल हुए हैं तो उनकी एवरेज प्राइस क्या थी तो वो थी 574.80 तो यहाँ से शायद आपको बाइंग सेलिंग डिसीजन लेने भी में मदद हो सकती है कि आज की डेट में ये सारी एवरेज प्राइस रही है उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो लिखा है टू डेज़ हाई लो यानी आज की जो लोएस्ट प्राइस थी वो फाइव थी आज की जो हाइएस्ट प्राइस थी वो फाइव थी जबकि जो चल रही है वो फाइव है और उसके नीचे आपको दिखता है फिफ्टी वीक हाई लो 52 टू वीक का मतलब क्या होता है वन ईयर तो एक ईयर का एस का हाई क्या है एस का लो क्या है तो एस का लो है फोर थर्टी और एस का जो हाई है पिछले एक साल का वो करीब है सिक्स ट्वेंटी नाइन रुपीज़ उसके नीचे आता है मार्केट डेप्थ जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि फ़िलहाल करंट अभी के टाइम पर शेयर्स किस क्वान्टिटी में बाय हो रहे हैं सेल हो रहे हैं वो सारा आपको पता चलता है अब मान लेती कि आपको एस के शेयर्स बाय करने हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर दो ऑप्शन दिखेंगे पहला है डिलीवरी जिसके सामने लिखा है लॉन्ग टर्म और फिर उसके साइड में लिखा है इंट्राडे जिसके सामने लिखा है सेम डे यानी थोड़ा वहीं पर डिफाइन करके थोड़ा सिंपल बनाया गया है तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आज का दिन छोड़कर अगर आप एस के शेयर्स खरीद रहे हो और आज का दिन छोड़कर उसे आप कभी भी बेच रहे हो कल परसों उसके बाद पाँच साल बाद दस साल बाद तो उसे कहा जाता है डिलीवरी और इंट्राडे मतलब कि आज शेयर्स खरीदो और उन्हें आज ही बेचो तो उसे कहा जाता है इंट्राडे तो अगर आपको आज शेयर खरीद के आज ही नहीं बेचने तो आप डिलीवरी के लिए जाओ या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपको शेयर्स खरीदने तो आपको डिलीवरी का ऑप्शन चुनना है वही आपको जिस दिन शेयर्स खरीदे उसी दिन उन्हें बेचने हैं तो आप इंट्राडे का ऑप्शन चुन सकते हैं उसके नीचे आता है क्वांटिटी का ऑप्शन कि कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं तो यहाँ पर हम क्वांटिटी में दस डालते हैं कि चलिए हमें दस शेयर्स खरीदने हैं एस के उसके बाद उसके नीचे ऑप्शन आता है ऑर्डर टाइप जिसमें आपको चार अलग अलग ऑर्डर्स के टाइप दिखेंगे मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर अब ये देखिए ये भी कुछ उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है आसानी है मार्केट ऑर्डर मतलब क्या कि जो भी प्राइस अभी चल रही है करंट प्राइस जो मार्केट में चल रही है उस पर शेयर्स ख़रीद लेना तो अभी प्राइस चल रही है 573.35 और ये जो चेंज हो रही है लगभग करंट प्राइस को शेयर्स इसी प्राइस के आसपास खरीदने हैं तो आप मार्केट ऑर्डर के साथ जा सकते हैं देखिए मार्केट ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि जो प्राइस आपको ऊपर दिख रही है उसी पर शेयर्स बाय होंगे जैसे कि फाइव सेवन थ्री पॉइंट सेवन फाइव नाइन फाइव जो भी चेंज हो रहा है तो अगर आप मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो प्राइस दिख रही है उसी पर आपको शेयर्स मिलेंगे क्योंकि जो प्राइस आपको दिख रही है स्क्रीन पर जो लगातार चेंज हो रही है वो लेटेस्ट ट्रेड, ट्रेड की प्राइस है यानी जो सबसे रिसेंट ट्रेड हुआ है वो उस प्राइस पर हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आपने ऑर्डर डालने के बाद आपको भी सेम प्राइस पर ही शेयर्स मिलेंगे तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो भी लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होती है जो कि आपको ऊपर चेंज होती हुई दिख रही है उसके थोड़े से ज़्यादा प्राइस पर आपको शेयर्स मिल जाते हैं थोड़ी सी ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो अगर आप जो प्राइस चल रही है उसके आसपास की प्राइस पर शेयर खरीदने के लिए रेडी है तो आप मार्केट ऑर्डर चुन लीजिए फिर दूसरा ऑप्शन भी है कि ठीक है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि प्राइस तो चल रही है 575 लेकिन मेरे हिसाब से 574 75 थोड़ी ज़्यादा है मुझे शेयर्स खरीदने फाइव सेवेंटी थ्री के प्राइस पर तो ऐसे में आप लिमिट प्राइस का ऑप्शन चुन सकते हैं तो पहले मैं आपको मार्केट ऑर्डर पर एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अभी प्राइस चल रही है फ़ाइव सेवेंटी फ़ोर पॉइंट सिक्स फाइव तो देखिए अब हम मार्केट ऑर्डर पर शेयर्स को बाय करके देखते हैं तो क्वांटिटी में हम दस डालते हैं तो और करंट प्राइस क्या चल रही है वो चल रही है फाइव सेवेंटी फ़ोर पॉइंट सिक्स फाइव और सेवन ज़ीरो के आसपास तो चलिए नीचे प्लेस ऑर्डर का बटन है शायद वो अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो देखिए हमारी ऑर्डर हो गई एग्जीक्यूट और हमने शेयर्स बाय किए हैं और एवरेज प्राइस क्या मिली हमें फ़ाइव सेवेंटी फोर पॉइंट एट फाइव तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो उस टाइम प्राइस दिख रही थी हमें सिक्स फाइव सेवन ज़ीरो उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस पर हमें शेयर्स मिल गए हैं चलिए अब अगला ऑर्डर का टाइप समझ लेते हैं वो है लिमिट ऑर्डर कि अगर आपको ऐसा है कि जो प्राइस चल रही है उस पर मुझे शेयर्स नहीं ख़रीदने हैं मुझे थोड़ी कम प्राइस पर शेयर्स ख़रीदने हैं तो ऐसे में आप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो 573, 574 के आसपास शेयर प्राइस चल रही है और आप चाहते हैं कि मैं शेयर ख़रीदूँ फ़ाइव सेवेंटी की प्राइस पर तो आपको बस इस ब्रैकेट में वो प्राइस डालनी है जिस पर आप शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं और फिर आपको सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है तो जैसे ही प्राइस 572.50 टच करेगी तो आपके शेयर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपको शेयर्स मिल जाएंगे लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर उस दिन शेयर प्राइस 572.50 को टच नहीं करती है आपने ऑर्डर प्लेस करने के बाद तो फिर आपकी ऑर्डर डे के एंड में एक्सपायर हो जाएगी तो लिमिट ऑर्डर का ये प्रॉब्लम है कि कभी कभार उस प्राइस तक शायद शेयर्स जाए ना और फिर शायद आपको शेयर्स मिले ही ना तो कई बार बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे ही मिस हो जाती है लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार देख सकते हैं कि जिस टाइम आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उस टाइम आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बेसिस पर आप चुन सकते हैं कि मुझे मार्केट ऑर्डर प्लेस करने हैं या फिर लिमिट ऑर्डर अब यहाँ पर मार्केट और लिमिट के बाजू में लिखा है स्टॉप लॉस लिमिट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर तो स्टॉप लॉस और ये जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स हैं उन्हें हम थोड़ा आगे समझेंगे तो अभी जो नीचे है नीचे लिखा गया है एडिशनल सेटिंग्स तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं एक है डिस्क्लोज क्वांटिटी और दूसरा है वैलिडिटी डिस्क्लोज क्वांटिटी मतलब क्या कि हमने दस शेयर्स खरीदे लेकिन हमें मार्केट को यही दिखाना है कि हमने बस पाँच ही शेयर्स के लिए हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में फाइव लिख सकते हैं मान लीजिए कि एक लाख शेयर्स खरीद रहे हो और आपको मार्केट को दिखाना है कि मैं हज़ार शेयर ही खरीद रहा हूँ तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में हज़ार लिख सकते हैं तो जनरली जो डिस्क्लोज क्वांटिटी होती है वो आपकी टोटल जो जितने शेयर्स आप खरीद रहे हो उसका मिनिमम टेन आपको वहाँ पर डालना होता है बट खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं फिर आता है वैलिडिटी कि जो भी ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो वो पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगी या फिर आई रहेगी दैट इज़ इमीडिएट और कैंसिल तो डे ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल लिमिट ऑर्डर लगाई तो पूरे दिन तक आपकी जो ऑर्डर है वो लाइव रहेगी एक्टिव रहेगी और इंतज़ार करेगी कि कब मार्केट आपकी जो लिमिट प्राइस है उसे हिट करें लेकिन अगर उस दिन शेयर प्राइस आपके लिमिट प्राइस को हिट नहीं करती है तो फिर आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी लेकिन आईओसी में ऐसा नहीं होता है आईओसी का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल कि आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस की तुरंत अगर वो एग्जीक्यूट हुई पूरी की पूरी तो ठीक है नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर दो तो कई बार जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग शेयर्स ख़रीदते हैं तो वो चाहते हैं कि एक ही फटके में तो वो चाहते हैं कि एक ही अटेम्प्ट में उनके शेयर्स ख़रीदी हो जाए नहीं तो फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो ऐसा जो जिनकी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं वो लोग जनरली आई यूज़ करते हैं और फिर जितने शेयर्स इमिडियटली बाय हो जाते हैं उतने वो खरीद लेते हैं और फिर बाकी के ऑर्डर उनके कैंसिल हो जाते हैं तो आई में क्या है कि अगर आप एक लाख शेयर्स खरीद रहे हो और उसमें से ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स आपको क्विकली मिल जाते हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स बाय हो जाएंगे और बाकी ऑर्डर आपकी एटी शेयर्स की कैंसिल हो जाएगी तो इमिडिएट और कैंसिल अगर आप हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उतना ये काम का नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और सिंपली डे ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं तो इस तरह से आपको शेयर बाय सेल करनी होती है कुछ इसमें ज़्यादा टफ़ नहीं है जो भी है सिंपल ही है यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं रेगुलर और एम यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी आप पैसे उधार लेके ट्रेड कर सकते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप मार्केट में जो भी कर रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रेड कर रहे हो जो भी करो खुद के पैसों से करो उधार किसी से मत लो ना फैमिली से ना रिश्तेदारों से ना दोस्तों से और ना ही स्टॉक ब्रोकर से आपको उधार के पैसों से ये सब नहीं करना है जितने पैसे अपने पास है वो बस उतने ही इन्वेस्ट करने हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने ये तो समझ लिया कि चलो किस तरह से मार्केट का इवोल्यूशन हुआ है अब मेन चीज़ों पर आते हैं किस तरह से मार्केट का इवोल्यूशन हुआ है किस तरह से बाय सेल करते है? वो हमने समझ लिया नाउ द क्वेश्चन इज कि आप बोलेंगे कि अब ये बता दो कि फिर खरीदना कौन सा है इन्वेस्ट कैसे करें स्ट्रैटेजी बताइए तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से तो मैं अगर आपसे कि क्या एक्सपेक्टेशन हाउ मी हाउ मच रिटर्न आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट स्टॉक मार्केट से आप कितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्वेल्व टू फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टीन परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोई नहीं है क्या एक्सपेक्टेशन कुछ भी 15 to 25. अच्छा फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव ठीक है इन्फ्लेशन प्लस फाइव परसेंट ठीक है इन्फ्लेशन सात परसेंट बोल रहे हैं तो बारह परसेंट के रिटर्न ठीक है ओके तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न हैं वो कितने होने चाहिए स्टॉक मार्केट से उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ एक फॉर्मूला आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो हमेशा और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो तो अभी ये अगर हम सेंसेक्स का डेटा देखें पिछले 20 सालों का या निफ्टी का डेटा देखें सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दी फिफ्टी इसने पिछले 20 साल में कंपाउंडेड सालाना 15.8 परसेंट का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड सालाना 15 परसेंट फिर अगर हम सेंसेक्स को देखें तो 16.20 परसेंट लास्ट 20 इयर्स तो पॉइंट ये है कि इसको अगर हम और थोड़ा हराइजोन अगर बढ़ाए 25 साल का करें तो so देखा अराउंड 13, 14 परसेंट के आसपास के रिटर्न निफ्टी सेंसेक्स ने हमें दिए हैं अब तक पिछले 25 साल में कंपाउंडेड सालाना तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप इन सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं यू कैन इन्वेस्ट इन देम थ्रू आप इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो आप सिंपली किसी भी म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जाकर सेंसेक्स का इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स फंड ढूंढोगे तो आपको कुछ इस तरह के रिटर्न पास्ट में दिखाएंगे या आप ई के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके बारे में ई के बारे में बाद में बात करेंगे बिकॉज ई के लिए डिमैट अकाउंट लगता है तो पॉइंट ये है कि अगर हम सेंसेक्स की बात करें निफ्टी की बात करें तो ये जो रिटर्न्स आपको मिले 13-14 परसेंट के इसके लिए आपको कितना एनालिसिस करना पड़ा ठीक है आपने दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया इट्स अ नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट आपको दिमाग नहीं लगाना है आपको न, आपने कुछ न भी नहीं किया स्टिल यू गॉट थर्टीन फोर्टीन परसेंट रिटर्न बिना कुछ किए पिछले दस साल के भी मैं बात करता हूँ तो बारह परसेंट का तो है ही इनका तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर कम से कम भी पकड़ ले तो इंडेक्स फंड हैज़ गिवन अराउंड ट्वेल्व थर्टीन परसेंट रिटर्न इन द लास्ट टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ईयर्स का जो भी आप ले लो राइसाउ अब ऐसे में ये इसके लिए आपको कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ा इसके लिए आपने एफ़र्ट्स कितने लिए आपको एफर्ट्स भी नहीं लेने नो एनालिसिस नो एफर्ट्स नो ब्रेनर स्टिल यू गॉट दिस तो सवाल ये आता है कि जब आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हो आप अपना टाइम डाल रहे हो एफर्ट्स डाल रहे हो आप एनालिसिस कर रहे हो दिमाग लगा रहे हो तो देन यू शुड एक्सपेक्ट बेटर देन दिस दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो और इसमें भी अगर बात करूँ तो अगर आप इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहे तो इट्स अ फिल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर यू आपका टाइम वेस्ट है पैसा बर्बाद टाइम भी बर्बाद ठीक है तो इसीलिए यू शुड बी वेरी क्लियर कि इंडेक्स फंड मुझे फ़िलहाल कितने रिटर्न दे रहे हैं एंड क्या मैं अगर खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसको बीट कर पा रहा हूँ क्या दैट शूड भी योर बेसिक टारगेट अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो तो आपका प्राइमरी टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे इंडेक्स फंड को बीट करना है एट एनीकॉस्ट उसे आप बीट नहीं कर पाए तो लाइक मे बी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर यू आप एक दो मतलब देखिए सीखने समझने में एक दो साल चले जाते हैं ऐसा नहीं कि पहले साल से आप बेटर रिटर्न कमाना शुरू करो बिकॉज जो एक्विटी म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं सालों से वो काम कर रही है तब जाके वो उसमें से भी कुछ ही लोग जो है जो इंडेक्स फंड को बीट कर पाते हैं तो इसलिए वॉरन प्रोफिट भी कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है सिंपली इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड दिमाग लगाना नहीं है यू you नो know, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन इकॉमी हम सबको पता है कि अच्छी स्पीड से बढ़ रही है आने वाले टाइम में भी बढ़ती रहेगा मेरा ओपिनियन तो यही है कि आने वाले टाइम में भी अच्छी स्पीड से बढ़ती रहेगी तो अच्छे खासे रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन इंडाइसेस जो है निफ्टी या सेंसेक्स तो अगर मैं बताऊँ आपको निफ्टी सेंसेक्स अब काफ़ी मतलब सेंसेक्स जो है वो बी का मेन इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी जो है वो एन का मेन इंडेक्स है तो सेंसेक्स में तीस कंपनीज आती है टोटल निफ्टी फिफ्टी में पचास कंपनीज है अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज़ हैं इसमें कुछ आई सेक्टर की है कुछ फार्मा की है कुछ बैंकिंग की है और फिर अलग अलग कंपनीज़ को अलग अलग वेटेज इन्होंने दिया है और फिर जब आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो जो तीस कंपनीज़ हैं उनमें आपका पैसा उस वेटेज के अनुसार इन्वेस्ट किया जाएगा और फिर सेंसेक्स के जो रिटर्न हैं लगभग वही रिटर्न्स आपको मिलेंगे बट पॉइंट यही है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो तो यू शुड ट्राई कि आपको इससे बेटर रिटर्न ही मिले यह आपका एक बेसिक टारगेट होना चाहिए रिटर्न्स का अगर वो नहीं है अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है मुझे आई एम हैप्पी विथ टेन परसेंट रिटर्न तो आई थिंक यू शूडेंट इन्वेस्ट डायरेक्टली ठीक है एक दो परसेंट के लिए रिस्क ही क्यों लेना है जब इंडेक्स फंड ही दे रहे उससे ज़्यादा तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो कि डायरेक्टली मैं दस के लिए करूँ ऑफकोर्स आपके जो रिटर्न के एक्सपेक्टेशन है दे शुड भी रियलिस्टिक अगर हम वॉरन बफेट का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ही गॉट ट्वेंटी वन कंपाउंडेड साराना मतलब इंडेक्स को बड़ी आसानी से और अच्छी मार्जिन से बीट किया है मिस्टर झुंझुनवाला ट्वेंटी परसेंट कम्पाउंडेड सालाना तो इस तरह के इनके इन्वेस्टमेंट ऐसी रही है कि जिन्होंने बड़ी आसानी से इंडा को बीट किया है तो मिस्टर झुंझुनवाला तो कहते भी थे कि अगर आपको एटीन परसेंट रिटर्न मिल रहा है तो यू आर किंग बीस मिल रहा है तो यू आर एन एम्पेयर और इट इज़ वेरी ट्रू लाइक पीपल दिस डेज एक्सपेक्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न बट ये ट्वेंटी परसेंट जब कंपाउंडेड होता है तब इसकी जादू शुरू हो जाती है इसकी जादू सिंपल आप ट्वेंटी देखोगे ना तब समझ में नहीं आएगी वेन इट स्टार्ट कंपाउंडिंग तो इसकी जादू अलग है एंड दैट इज़ वॉट वर्क फॉर मिस्टर बफेट आप देखो ये रिच लिस्ट में आप देख लेना कभी भी काफ़ी सारे लोग चेंज होते रहते हैं ऊपर नीचे बफेट नहीं चेंज हुए नंबर फोर पे बैठे फोर पे दस साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो आप मिस्टर झुंझुनवला का भी नेटवर्क देखो तो इट्स लाइक इट वॉज नेवर लाइक कि बहुत शेक हो रहा है ऑलवेज लाइक कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है जब उनके अभी पिछले साल डेथ हुई तो उनका पोर्टफोलियो लगभग थर्टी करोड़ का था ठीक है तो सवाल ये आता है कि मतलब जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो इनमें बहुत ही कुछ मैजिक रहेगा इनमें इन्होंने कुछ बहुत ही अलग किया होगा लेकिन जब हमने इन सारी इन्वेस्टर्स का एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि इन इन्वेस्टर्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी दे हैड वन थिंग इन कॉमन और वही एक चीज़ मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक क्या चीज़ थी क्योंकि स्ट्रैटेजी तो तब आएगी ठीक है मतलब स्टैटीज तो बहुत बात की बात है लेकिन ये लेकिन अगर ये एक चीज़ आपके पास नहीं है तो यू विल नेवर मेक मनी इन द मार्केट यू विल नेवर मेक आप आपको फिर एक्सपेक्ट भी नहीं करने चाहिए रिटर्न मार्केट से अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो, तो ये है टाइटन टाइटन की शेयर प्राइस ये उसके बाद देखिए कई सारे स्टॉक स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस है ये तो ये 2003 के आसपास मिस्टर झुंझुन वाला बॉट टाइटन इसकी शेयर प्राइस थी चार रुपये के आसपास फिर अगर हम अगले साल देखें तो ये आप देखिए चार रुपये से इसने जम किया 2005 तक तीस रुपये तो अभी आप सोचिए कि जब ये चार रुपये का शेयर था तो मिस्टर झुंझुनवाला अकेले तो नहीं होंगे इन्वेस्टर जिन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया ही वन वॉज नॉट द ओनली वन राइट उनके साथ कई लाखों करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस टाइम उस साल उनको भी शेयर प्राइस वही मिला चार रुपये साढ़े चार पाँच रुपये के आसपास अब आप मुझे बताइए कि चलिए आप भी उनमें से एक हैं आपने भी इन्वेस्ट कर लिए और फिर ये शेयर प्राइस चली गई थर्टी रुपीज़ दो में ठीक है तो आप देखिए लगभग सात गुना रिटर्न मिल रहा है आपको बैठे बैठे दो साल के अंदर सात गुना रिटर्न मतलब एफ में सात गुना के लिए मतलब आपकी ज़िंदगी चली जाएगी लगभग ये आपको सिर्फ दो साल में मिल रहा है ठीक है क्या करेंगे आप एग्जिट करेंगे तो हम मतलब ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि दे डू नॉट थिंक मतलब पीटर लेंज बहुत अच्छी बात कहते हैं एक कि हर एक बिजनेस के पीछे हर एक स्टॉक के पीछे ना एक बिज़नेस होता है और लोग उस बिजनेस को ही नहीं देखते हैं वो हमेशा उस स्टॉक को देखते हैं ग्रोथ हुई तो स्टॉक प्राइस की हुई फॉल हुआ तो स्टॉक प्राइस का हुआ लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके पीछे जो बिजनेस है उसका क्या है वो बढ़ा है नहीं बढ़ा है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है और वहीं पे आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं और इन्वेस्टमेंट को क्रैक नहीं कर पाते हैं सो द रियल गेम इज़ इन कि आपको क्लोज़ वॉच रखनी है कि उसके पीछे का बिज़नेस क्या कर रहा है सो मिस्टर झुंझुन जब बाकी लोगों ने इसको चार रुपये से जब ये आठ रुपये हुआ बीस रुपये हुआ तीस रुपये हुआ लगभग कई सारे लोगों ने उसकी एग्जिट कर ली ले। लेकिन मिस्टर झुंझुनवाला मतलब मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि भाई झुंझुनूवाला बॉडी एट द फर्स्ट प्लेस और उसके लिए भी एक मतलब एक आ, जब हमने स्ट्रेटजीज की बात की है तो उसमें भी हम इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो उसमें एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वॉयल पिकिंग का कंपनी उसके बारे में बात करेंगे और कैसे मिस्टर झुंझुनुवाला ने उसे क्रैक किया और उस चीज़ के बारे में पता किया उसके बारे में हम समझेंगे बट अभी पॉइंट ये है कि जब तीस रुपए का हुआ तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट कर लिया बट मिस्टर जिन्होरे नहीं किया बिकॉज ही बिलीव्ड कि बिजनेस में दम है और उनकी थिंकिंग क्या है क्या नहीं है वो हम आगे के सेशन अगले सेशन में बात करेंगे फिर ये जो टाइटन के शेयर प्राइस है ये फिर तीस रुपए से अभी आप देखेंगे तो इट इज अराउंड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड के आसपास ट्रेड हो रही है तो आप अगर इसे देखेंगे तो ये रिटर्न्स में मैं क्या बताऊं आपको तो इसके रिटर्न्स आते हैं एटी नाइन थाउजेंड परसेंट एटी नाइन थाउजेंड परसेंट के रिटर्न्स हैं पिछले लगभग 20 साल में और इसकी बेसिस पे मिशो झुंझुनवाला का जो 35 फाइव परसेंट नेटवर्थ आता है वो एक ही स्टॉक से आता है दैट इज़ फ्रॉम टाइटन अब टाइटन की बात करूँ तो आ, मतलब पॉइंट यही है कि बहुत सारे लोगों ने तब भी इन्वेस्ट किया जब चार रुपये था बीच में भी इन्वेस्ट किया बट द एग्जिटेड बिकॉज शेयर प्राइस इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी बिकॉज़ बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़िट किया मिशो झुंझुनवाला ने डेथ के टाइम भी शेयर्स थे उनको जितनी की जरूरत थी उन्होंने बेच दिए थे ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी शेयर्स बेचे नहीं थोड़े थोड़े फ्रैक्शन में उन्होंने शेयर्स बेचे थे जितनी जरूरत थी उतना बेचा कई सारे लोग आजकल वो यूट्यूब पे आता रहता है कि मिस्टर झंझुनवाला ने क्रिसिल के शेयर बेचे ढाई सौ करोड़ में और उसका घर ले लिया अगर वो शेयर ना बेचते तो उसके तीन हज़ार करोड़ होते अरे उनको क्या ज़रूरत है यार तीन हज़ार करोड़ तीस हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो है ठीक है और दूसरी बात ये है कि ऑफकोर्स आपको मतलब साथ में थोड़ी ना लेके जाते फिर पैसे अब यहाँ जीने के लिए आए हो तो आपको ये भी क्लियर रहना पड़ेगा कि वी न्यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है ज़रूरतें हैं नीड्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं तो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो उसको भी आपको यू हैव टू लिव टू द फुलेस्ट ये नहीं कि बस इन्वेस्ट ही करते रहो और फिर पैसों के बारे में सोचते रहो कि बस ये इतना होता तो वो उतना होता यू नो लाइक ऐसे आपको नहीं सोचना है आपको यू नो फोकस ये करना है कि अच्छे में रिटर्न कमाओ अच्छे से ज़िंदगी कमाओ बिकॉज नेटवर्क और ये चीज़ें कभी भी आप बिलियनर्स को जाके पूछोगे उनके लिए मैटर नहीं करते आप भी जब बहुत अमीर होने जाओगे तो आपके लिए भी मैटर नहीं करता है हैप्पीनेस पीस और जो चीज़ें अपने को ज़िंदगी में चाहिए वो चीज़ें मिल जाए पीपल आर मोर देन हैप्पी और वही ज़िंदगी है तो इन चीज़ों में आप कभी मत पढ़िए कि ये नहीं बेचना चाहिए वो नहीं बेचना चाहिए जो भी आपकी भी ज़रूरत है अभी आजकल एक और भी चीज़ आती है जनरली सोशल मीडिया पर घर नहीं ख़रीदना चाहिए खुद का ज़िंदगी भर रेंट पर रहना चाहिए <laughs> तो मतलब मैं तो यार बिल्कुल अग्री नहीं करता इन चीज़ों से घर ना एक मतलब जो लोग ये बोलते हैं ठीक है घर नहीं होना चाहिए इन लोगों ने ना चक्कर नहीं काटे हैं रेण का घर खरीदने के इन्होंने ना ब्रोकर से इनका कभी मुझे लगता है मतलब सामना नहीं हुआ और मेरे जैसे बैचलर की तो हालत ही ख़राब है भाई मतलब नाइन्टी परसेंट सोसाइटी से तो हमको नाम से यार अच्छा बैचलर हो चलो भगो ब्रोकर भी भाव नहीं देते आजकल ठीक है तो मतलब इतनी हालत है बैचलर की खराब और <laughs> और फिर वही है कि आप ले भी लो तो फिर एडवांस आप देते हो तो वो मिलने की गारंटी नहीं रहती घर में आप कुछ कर नहीं सकते वो चार बार ओ न रखे बोलता ये नहीं करना है वो नहीं करना है तो मतलब इट्स मोर और लाइक कई सारी केसेस में तो जेल में रहने जैसा ही है फ्रीडम नहीं है कुछ बाकी प्रॉब्लम्स है तो और फिर साथ में ये ना कि आप कुछ कर भी नहीं पाते आपको इंट्रियर करना है तो वो करने नहीं देता करना चाहो तो आप भी सोचते हो रेन पर ही है और फिर मतलब मेरे लिए तो ये भी था कि अभी मैंने होम टाउन में स्टूडियो बनाया मलकापुर मेरा होम टाउन है और वहीं से मैं आता हूँ छोटा सा टीयर थ्री टाउन है और वहाँ पर स्टूडियो बनाया तो हमारे दादाजी ने वहाँ पर घर लिया था बहुत पहले तो घर पर पहला फ्लोर था तो मैंने बस उसके ऊपर बना लिया तो मुझे ज़मीन वगैरह खरीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ठीक है सो ही टू ग्रेट डिसीजन उसकी वजह से मुझे भी खर्चे नहीं लगे एंड मेरे ग्रैंडफादर की जितनी इनकम थी ना मेरी फादर की उतनी नहीं थी तो अगर वो रेंट पर ही रहते यही सोचते कि रेंट पर ही रहते तो मेरे फादर कुड हैव स्ट्रगल्ड अ बिट और शायद हम भी स्ट्रगल करते हैं काफ़ी सारा शुरुआत का पैसा उसी में चला जाता फिर घर खरीदना है घर खरीदना है बट क्योंकि वो है तो उसके लिए उस चीज़ में ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वही है कि हम कई बार क्रेडिट नहीं देते हमारे फैमिली के जो लोग हैं जिन्होंने घर खरीदा है तो हम बोलते कि ठीक है उन्होंने खरीद लिया बट दे टू का वेरी ग्रेट डिसीजन और उनकी वजह से वी आर हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीते हैं क्योंकि ज़िंदगी में कब टर्नस आएंगे ना ये आपको पता नहीं है इसीलिए एक चीज़ हो जहाँ पर मतलब एक छत हो आपके ऊपर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिंद लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन वेरी वेरी अनसर्टन तो आपको नहीं पता क्या होगा तो एक चीज़ तो होनी चाहिए एंड अनदर थिंग इज़ लाइक बहुत सारे लोग जो ये बताते हैं कि घर नहीं खरीदना चाहिए इनके बड़े बड़े घर यार छोटे छोटे नहीं बंगले इनके <laughs> ठीक है <laughs> तो तो आप मतलब वही है कि आप किसी के ऊपर ना जो भी डिसीजन लेते हो ना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लो आपको मतलब मेरा गोल ही यही है यहाँ यह पर कि आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाए स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा रो थोड़ा डिटेल में जाके जाके और कई बार रिपीट भी करूँगा ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको किसी के भी ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े पूरी ज़िंदगी में आप इन्वेस्टर बनो तो खुद बा, स्टॉक बाय किया तो मैंने अपने कन्विशन पे बाय किया है मेरे खुद के एनालिसिस पे बाय किया है, ना कि एक्स वाई सी इन्फ्लुएंसर ने बोला है या फिर किसी टेलीग्राम पर टिप आई है तो मैंने खरीद लिया यू शुड नो द रीज़न बिहाइंड इट टाइटन जब मिश्र झुंझुनुवाला ने खरीदा तो ही न्यू कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ इसे ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट उसके बारे में भी अगले सेशन में बात करना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि टाइटन की कि क्यों टाइटन को खरीदा गया तो ये था टाइटन का तो आ, तो यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताएगा कहने का पॉइंट मेरा यही था कि पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मेरे को दो परसेंट का रिटर्न चाहिए डेली या फिर महीने का चार परसेंट आठ परसेंट का रिटर्न चाहिए चीज़ इन चीज़ों में मत पड़ो आपको ना मार्केट में मल्टी वैगर ढूंढो पीटर लिंच से मल्टीपैकर्स मल्टीपैक मतलब मल्टीफोल्ड जो शेयर्स बढ़े वो तो झुंझुनू वाले के लिए कई सारे शेयर्स है मल्टीफोल्ड बढ़े चार रुपये से आप देखो ना नाइन्टी थाउजेंड परसेंट के रिटर्न कैसे बोलते हैं <clears throat> तो जो स्टॉक्स हैं कई सारे इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर करंटली जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना उतनी पास्ट में थी फ्यूचर का मुझे पता नहीं बट अभी क्रेजी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कई सारे लोग फिर वही है कि पेनी स्टॉक में फंसे पड़े चार रुपए वाले पाँच रुपये वाले में अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेट्स टैप दें वहाँ पे जाओ वहाँ पे ग्रैप करो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं लोग अब उसमें शेयर होल्डर बनो एंड डूइंग दिस बट एक चीज़ आपको ये लगेगी कि पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा बिकॉज आप ये सोचो ना आपने बिजनेस शुरू किया लॉजिकली समझो स्टॉक मार्केट को आपकी कंपनी ने आई लाया है मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है आपने इन्वेस्ट किया है अब क्या दूसरे दिन बिजनेस डबल हो जाएगा या दो महीने में डबल हो जाएगा इट टेक्स टाइम सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि कोई भी बिजनेस है रिलायंस बढ़ाए नाइनटीन सेवेंटी से यहाँ तक आया है तो ऑफकोर्स जिन लोगों ने उस टाइम पैसा डाला नो मल्टी करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए जिन जिन शेयर होल्डर ने रिस्क लिया था Infos की केस करते तो बहुत सारा पैसा कमाया बट द थिंग इज़ दैट वो बिजनेस ऐसे ही नहीं बढ़े तुरंत इट टेक्स टाइम और फिर अनदर थिंग इज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे स्टॉक्स ही चल जाएंगे मिस्टर झुंझुनवाला के नहीं चले ये मिस्टर झुंझुनुवाला का पोर्टफोलियो है इसमें आप देख सकते हैं कि टाइटन अब तो नाइन रिटर्न है फोर्टी सेल्स केयर ट्वेंटी टू एक्स रैलीस है तो मल्टी बैगर रिटर्न है एग्रोटेक फूड है एटी थ्री टाइम रिटर्न इन्होंने कमाया मल्टी बैगर्स ऑल मल्टी बैगर्स क्रेजी रिटर्न द गुड थिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ कि आपका एक स्टॉक के पीछे जो मैक्सिमम लॉस होता है वो हंड्रेड परसेंट का होता है बट आपका प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है और इसीलिए आपका प्रॉफिट कई बार आपके लॉसेस को कवर कर लेता है यहाँ पर आप देख सकते हो नौ सौ परसेंट के रिटर्न नाइन हंड्रेड टाइम्स ट्वेंटी टू टाइम्स थर्टी थ्री टाइम्स एटी थ्री टाइम्स तो यहाँ पर अगर हम बाकी पोर्टफोलियो को देखें तो एस आर ई आई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस नाइनटी सेवन परसेंट डाउन सो हमें लगता है कि हम ही गलत हैं दैट्स नॉट द केस उसके बाद डिश ट वी इंडिया एटी परसेंट डाउन और भी बाकी सारी कंपनी भी उनका कुछ खास पैसा बना नहीं है लुपिन व्युपिन की भी लास्ट टाइम काफ़ी बात चल रही थी आप जियोजीत फाइनेंशियल देखिए वॉकआर्ट देखिए इंडियाबल्स हाउसिंग फाइनेंस है स्पाइस जेट है जेट एयरवेज है एटी सिक्स परसेंट डाउन एस ए आई एल है यस yes बैंक है <laughs> सेवेंटी सिक्स परसेंट डाउन तो इट्स नॉट जस्ट कि हम ये सोचते हैं ना जनरली कि लॉसेज तो हम ही होते हैं क्योंकि बातें तो जुन -जुन वाला के प्रॉफिट की हुई है हमेशा क्योंकि लॉसेज की अभी बात ही नहीं हुई कौन बोला है आपको कि मिस्टर झुनझुन वाला ने यहाँ पे वैसेड हुए ठीक है तो उनको तो मतलब ऑफकोर्स मीडिया का तो काम है कि उन चीज़ों की बात करना जहाँ पर ज़्यादा क्लिक आए और क्लिक तो वही आएंगे कि पैसा यहाँ पर डबल हुआ ट्रिपल हुआ तो लोग भी जाके चेक करके हमारा भी कैसे डबल हो सकता है बट दिस इज द केस ओवरऑल और बाकी भी स्टॉक अगर देखें तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें मीडिया का रिटर्न आए हैं कई सारे स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में दिखेंगे जिनमें कुछ खास रिटर्न नहीं है जैसे कैनरा बैंक है एटी फाइव है टाटा मोटर्स है फिफ्टी है तो ओवरऑल ये पूरा पोर्टफोलियो का है पिछले कई सालों का वही पिछले कई सालों का है एक साल का नहीं है तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कई सारे स्टॉक्स में मीडिया को रिटर्न आए हैं कई सारे स्टॉक्स में बहुत आए कई सारे स्टॉक में नहीं आए लेकिन ये जो भी लॉस मेकिंग डील्स है ये प्रॉफिट मेकिंग डील्स ने ओवरकम की है प्रॉफिट ने मेक श्योर sure किया है कि चलो लॉसेस जो भी हैं हम कवर कर रहे हैं और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पोर्टफोलियो आप बनाओ सो so अगर हम पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो उसमें एक या दो कंपनीज़ नहीं होनी चाहिए नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन अ कंपनी देर आर हाई चांसेस कि वो बिज़नेस शायद फेल भी हो जाए या प्रॉब्लम में आ जाए और का, काफ़ी सारे अनसर्टन बिज़नेस है बिज़नेस इज़ ऑल्सो वेरी अनसर्टन जैसे हमारी ज़िंदगी होती है तो इसीलिए कोई चीज़ पे आप बहुत श्योर नहीं हो सकते कि होगा ही होगा तो एटलीस्ट आपको पोर्टफोलियो में आठ दस स्टॉक्स आपके होने चाहिए ठीक है तो पीटर लिंच इस पर कहते हैं कितने स्टॉक्स होने चाहिए तो पीटर लिंच कहते जितने बच्चे आप पाल सकते हो उतने होने चाहिए पाल सकते हो ठीक है आठ दस बच्चे कोई भी पाल सकता है तो जनरली इतने मतलब कुछ स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में आठ दस जितने आप संभाल सकते हो देख सकते हो तो आठ दस स्टॉक बारह तेरह भी मैक्सिमम उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए फिर तो आपको ध्यान भी नहीं दे पाओगे कहाँ पे क्या हो रहा है बिकॉज आपको क्वार्टरली बेसिस पे इनका ध्यान भी देना होता है क्या चल रहा है इनमें मतलब मैं।, मैं ये नहीं बात करूँगी सिर्फ नंबर्स की बात आपको उसके पीछे की स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि वो जो बिज़नेस है कोई भी है वो पीछे क्या कर रहा है सो मिस्टर झुंझुनवाला को टाइटन के बिजनेस के ऊपर जब झुंझुनवाला ने एंटर किया था सो इट वॉज़ अ वॉच बिज़नेस बट जब इन्होंने पैसा कमाया तो वॉच के धंधे पे नहीं बनाया ज्वेलरी पे बनाया आज कंपनी का जब उन्होंने शुरुआत की तो ज्वेलरी बिजनेस से बहुत ही कम मार्केट मतलब रिवेन्यू आता था आज टाइटन क्या है टाइटन का 83 थ्री परसेंट रेवेन्यू ज्वेलरी बिजनेस से आता है तो ओवरऑल वॉच वॉच तो मैटर ही नहीं करता ठीक है बट एट दैट टाइम वॉच बिजनेस ही मेन था तो वही से सब होता था तो तो अभी देखिए अगर हम कोई भी बिज़नेस को अगर हम देखते हैं तो इट डिपेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टॉक प्राइस आर लाइक रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट कोई भी बिजनेस हो दो सबसे बेसिक फंडामेंटल्स है रिसेंटली अगर हम देखें तो 2009 के बाद इंडियन बिज़नेस के जो फंडामेंटल्स हैं वो चेंज होने लगे क्योंकि उस टाइम फिर स्टार्टअप्स आने लगे और कई सारे स्टार्टअप्स आज हम देखते हैं इंडिया में आए हैं चाहे वो फ्लिपकार्ट है इनमोबी है ये टू थाउजेंड के स्टार्टअप्स हैं तो मैं ये देखता हूँ कि इंडियन बिजनेसेस जो है उसे समझने के लिए आपको 2009 थाउजेंड इस ईयर को समझना पड़ेगा 2009 थाउजेंड इज़ द ईयर कि यहाँ पर इंडियन बिज़नेस का करने का तरीका बदल गया 2009 से पहले कोई भी बिज़नेस हो उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती थी इस बिज़नेस का रेवेन्यू कितना है यानी कितने का सामान माल या इन्होंने बेचा है और कितने रुपये का प्रॉफिट इनके पास बचा है 2009 के बाद ये चीज़ें बदलने लगे क्योंकि 2009 के बाद इंडिया में वेंचर कैपिटल्स आए वेंचर कैपिटल्स आए तो इन्होंने बोला कि रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है बिना रेवेन्यू प्रॉफिट के भी प्रॉफिट कमाया जा सकता मतलब पैसा कमाया जा सकता है इन्वेस्टर के लिए तो फिर ग्रॉस मर्चेंडाइज़ वैल्यू कि कितने रुपए का ट्रांजेक्शन आपकी वेबसाइट पर हुआ मंथली एक्टिव यूजर्स मंथली कितने लोग एक्टिव है डेली एक्टिव यूजर्स ट्रांजेक्शन वैल्यू ये सारी चीज़ें आने लगी प्रॉफिट रिवेन्यू उसमें कहीं दूर चले गए जो अगले दो चार साल किसी को दिखाई नहीं दिए फिर हुआ ये कि फ़्लिपकार्ट में टाइगर ग्लोबल ने पैसा इन्वेस्ट किया था टू थाउजेंड के अराउंड एंड दे मेड वेरी बिग मनी बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने कमा हर साल लगभग डबल हो रहा था फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन और फिर इस चीज़ में कई सारे वेंचर कैपिटल्स को यूएस में फिर इंटरेस्ट रेट आप देखोगे ना 2009 के आसपास वो फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले चार परसेंट के आसपास थे फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वो आई जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन बिजनेस यूनिट टू अंडरस्टैंड कि यू में इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ते तो क्या होता है वहाँ पे इंटरेस्ट कम होते तो क्या होता है अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपके लिए इंडियन बिजनेस को समझना बड़ा ईजी हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊँ तो यू में टू जब ये इंटरेस्ट कम होने लगे ज़ीरो और यू में इन्फ्लेशन कितना था दैट वॉज़ अराउंड सिक्स सेवन का तो आपको आप ही सोचिए कि आपको मैं बोलूं कि जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट का रिटर्न ले लो और इन्फ्लेशन सात परसेंट का चल रहा है कौन इन्वेस्ट करेगा करोगे आप नो बड़ी लोनर नो वाइज इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट तो फिर क्या है अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढेंगे मार्केट में तो यूएस मार्केट में भी देखोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ वो मार्केट अभी काफ़ी हद तक मैच्योर हो गया है सैचुरेशन ऑफ पे चला गया ऑलरेडी बिग कंपनीज़ बनी हुई हैं तो अगर आप इंडियन से उसको कंपेयर करते हैं सेंसेक्स निफ्टी से तो पता चलता है कि वहाँ के रिटर्न इंडिया के कंपेरेटिवली बहुत कम हैं तो उन लोगों ने फिर इंडिया में पैसा डालना शुरू किया देन एफ जो फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका फ़्लो इंडिया में आना शुरू हो गया एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी कि यार सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं इंडिया के स्टार्टअप्स में भी पैसा काफ़ी बन रहा है जैसे फ्लिपकार्ट में उन्होंने देखा तो एक चीज़ उनको समझ में आई कि अगर टाइगर ग्लोबल ने बहुत सारा पैसा छापा है फ्लिपकार्ट के डील में तो फ्लिपकार्ट तो प्रॉफिटेबल भी नहीं है तो उनको एक और चीज़ समझ गए कि बिना प्रॉफिट के भी आप पैसा कमा सकते हैं देन मोर एंड मोर वेंचर कैपिटल्स केम इन टू इंडिया उन्होंने इंडिया में अपने शॉप्स खोले इंडिया में अपना बिजनेस लुकिंग एट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आज अगर हम फास्ट फॉरवर्ड देखें तो फिर 2019 तक ये इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ने लगे अगेन स्टोरी को आप समझिए 0.25 परसेंट से ये 2.5 परसेंट पर आया 2019 तक तो पैसा थोड़ा बहुत उधर इधर चल रहा था 2.5 पॉइंट फाइव इज अ गुड अकॉर्डिंग टू यू लेकिन कोविड के बाद ये फिर से आ गया जीरो ठीक है कोविड के टाइम फिर से इन्होंने जीरो पर लाया तो फिर से यू के इन्वेस्टर्स के पास डायलेमा था पैसा डाले कहाँ पर तो इन्होंने बहुत क्रेजी पैसा डाला अगर आपको याद हो 2020 में अनअकेडमी है बाइजूज है अब कोई भी स्टार्टअप ले लो आइडिया के बेसिस पे फंडिंग मिलने लगी देर इज़ नथिंग ऑन द ग्राउंड आपको बस आइडिया आपने बताई दो चीज़ें मैटर करती थी एक आइडिया थी और आपको फाउंडर ढूंढने थे आई टी आई एम से सो so, बिज़नेसेस सारी चीज़ें भूलने लगे आई मीन आई आई एम को उनका भी लॉजिक ये था कि ठीक है स्मार्ट लोग हैं तो बिजनेस फटाफट करेंगे तो पैसा भी कम कमाएंगे तो मैंने देखा ये खुद कि लोग जो है वो नोवट इज़ टॉकिंग अबाउट बिजनेस कोई बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं रहा है उनका टारगेट ये था कि मेरे को तो एक मस्त पेगी पी पी बनानी है जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्शंस रहेंगे कि ये साल में इतने करोड़ वो साल में उतने करोड़ फिर मेरे को एक आई टी वाला को फाउंडर ढूंढना है जिसको मैं सी बनाऊंगा और फिर मैं वेंचर कैपिटल के पास जाऊँगा और फंडिंग उठाऊँगा एंड देन फंडिंग भी अगेन सीरीज ए सीरीज भी होने लगी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट कितने एक्टिव यूजर्स हैं कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और फिर वो क्रेज़ बढ़ने लगा मार्केट में आप कह सकते हो कि स्टार्टअप का एक बबल क्रिएट हुआ लेकिन फिर हुआ ये कि अचानक से पिछले साल हुआ ये कि मतलब दो हज़ार में आपने देखे होगी लगभग हर दिन कोई ना कोई यूनिकॉर्न बन रहा है स्टार्टअप हंड्रेड के ऊपर यूनिकॉर्न चले गए फटाफट अब हुआ ये कि यू वालों ने फिर वहाँ पर ना कुछ किया उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छापे पैसे कि भाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है कि इंडियन यूएस इकोनॉमी थोड़ी प्रॉब्लम में है तो इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं तो हम छापते हैं पैसा तो इन्होंने छापा बहुत सारा पैसा और ये पैसे छापने की जो स्टोरी है ना लोग बोलते यार कि पैसा छापने से क्या ही होता है ठीक है बट पैसा छापना इज़ अ लाइक वर्स्ट थिंग यू कैन डू मतलब जिम्बाब्वे के बारे में हमने एक वीडियो में बताया था रॉबर्ट मुगावे ने क्या किया था कि जिन जिन अफ्रीका के जो लोग थे नेटिव लोग उनको फार्म उन फार्मिंग करने के लिए ज़मीन दे दी जो पहले गोरो के पास थी मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जिम्बाब्वे में क्या था कि अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज़ों ने सारी ज़मीन वहाँ के लेकर गोरो के पास दे दी तो जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या किया वो ज़मीन लेके नेटिव अफ्रीकन को दे दी अब उनको तो खेती करना आता ही नहीं तो खेती से कुछ इनकम ही नहीं आई खेती से कुछ निकला ही नहीं तो जिन लोगों ने जिन बैंक ने उनको लोन दिया था खेती करने के लिए वो डूब गई खेती के बेसिस पर जो कंपनीज चल रही थी वो डूब गई तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी डूब गई तो उनके मिनिस्टर ने उनको एक बहुत अच्छी सलाह दी कि आप एक काम कीजिए आप पैसा छापिए एंड दिस इज़ अ वेरी बिग सल्यूशन और ये पैसा हम छापेंगे तो वही है पैसा सब जगह आ जाएगा प्रॉब्लम किसकी है पैसे की है पैसा नहीं फ्लोर है पैसा छाप दो खत्म बात रॉबर्ट मुकाबे को भी काफ़ी अच्छा लगा ये कि चलो छाप देते हैं तो इन्होंने छापा पैसा इन्होंने छापा पैसा तो अब पैसा जैसे जैसे छापना शुरू कर दे तो देखिए पैसा आना चाहिए आप ही देखिए ना किसी के पास भी पैसा है मुफ्त का पैसा हो मेहनत का पैसा हो लॉटरी से आया पैसा बंदा किधर भी खर्च वर्च करेगा खुद की इनकम से आया पैसा नहीं खर्च करता बंदा ठीक है तो उसकी अलग वैल्यू है और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स भी अलग अलग हैं तो इन्होंने बहुत सारे पैसे छापे अब वो इकोनॉमी में इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि आप ये सोचिए कि एक अभी एप्पल का स्टोर खुला है बीके सी में मान लेते गवर्नमेंट पैसा छापती है और फिर फटाफट सबको बोलती है कि सबको एक एक लाख रुपए मिल रहे हैं ठीक है एक एक लाख बांट देती है सबको एक एक लाख बांट के सबके पास एक एक लाख रुपए आ गए सब लोग भागते चले गए बीके सी में कि चलो भाई आईफोन लेते हैं और एप्पल टेंशन में आ जाएगी तो एप्पल क्या करेगी इतने आईफोन तो है ही नहीं तो प्राइस बढ़ा देगी ठीक है तो जीफाबे में एग्जैक्टली exactly यही हुआ कि लोगों के पास आ गया बहुत सारा पैसा पैसा छापा जा रहा है प्राइसेस बढ़ गई कितनी बढ़ गई 2008 में हर दिन डबल हो रही थी प्राइसेस बीस रुपये की बिस्लरी आज है आज की तेईस तारीख है ट्वेंटी फोर्थ को चालीस रुपये की हो गई ट्वेंटी फिफ्थ को अस्सी रुपये की हो गई वन सिक्सटी रुपये दैट ऑज अ केस क्रेजी टाइम ठीक है तो बाद में मतलब ठीक है आज भी वो फाइट ही कर रहे हैं दे नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं दो सब अभी टू का एनुअल इन्फ्लेशन है आज उतना नहीं है वेनेजोला की हालत हम सब ने देखी है तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं ना इन पर आपका ध्यान होना चाहिए तो यूएस ने क्या किया कि यूएस में लगभग जितने डॉलर है उसके आई थिंक 20 30 परसेंट डॉलर मुझे लगता है अभी पिछले 2020 में इन्होंने छापे अब ये छापे तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ा अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो इसको कंट्रोल करने का एक तरीका होता है हमेशा आप ध्यान रखिए इस चीज़ को आप समझिए सही से कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है महंगाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास इसे कम करने का एक सोल्यूशन होता है जनरली रिज़र्व बैंक या फिर जो सेंट्रल बैंक होती है इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है यू में फेडरल रिज़र्व है तो इनके पास एक सोल्यूशन होता है इस सोलूशन का नाम क्या है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ क्योंकि पैसा लोगों के पास इन्फ्लेशन मतलब क्या है लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो पैसों का फ्लो कम करो यानी लोन महंगे करो ताकि लोन लोग ज़्यादा लोन ले ही ना पाए और इसीलिए दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स और इन्होंने फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए अभी तो इन्होंने बढ़ाए भी तो ऐसे बढ़ाए कि एक साल में ये 2022 के स्टार्ट में इट वॉज 0.25 पॉइंट के एंड में इट इज़ अराउंड 4.25 पॉइंट समथिंग के आसपास है 4.75 पॉइंट सेवन फाइव के आसपास आ गया अब एक साल में इतने सारे इंटरेस्ट बढ़ गए तो जो पैसा इंडियन स्टार्टअप्स में आ रहा था वेंचर कैपिटल के ज़रिए उन लोगों ने बोला कि हम क्यों आए अभी मिल रहा है हमारी जगह पर अच्छा चले गए छः महीने हो गए एक भी यूनिकॉर्न नहीं बना इंडिया में ठीक है तो इसके लिए द बिग रीज़न इट्स नॉट लाइक कि बहुत सारे स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग या वो है तो वो बबल था वो तो बस्ट हो गया बहुत सारे स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं ले ऑफ कर रहे हैं कई सारे लोग फायर कर रहे हैं बट ये कि इट वॉज़ अ बबल क्रिएटेड बाय द यू एस बेस्ड वेंचर कैपिटल्स क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा आया था इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम थे तो उनका भी प्रेशर था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स में इसे इन्वेस्ट करो और वो इन्वेस्ट किया गया यहाँ पर बबल क्रिएट हुआ बहुत सारे स्टार्टअप्स उसमें बस्ट हो गए बट द थिंग इज़ दैट स्टोरी टू अंडरस्टैंड यर कि उसकी वजह से जो लोग ये समझ रहे थे कि प्रॉफिट और रेवेन्यू बिज़नेस के फंडामेंटल्स नहीं हैं उन्हें भी आज ये समझ में आ गया है कि बिज़नेस के फंडामेंटल्स आज भी वही हैं जो पहले होते थे ट्रांजेक्शन वैल्यू बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत मैटर करती होगी लेकिन ऑर्गेनिकली अगर किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ना है तो द बेस्ट वे टू तो ग्रो योर बिजनेस इज थ्रू योर प्रॉफिट्स अपना प्रॉफिट कमाओ उससे बिज़नेस बढ़ाओ एंड दैट इज़ इसीलिए किसी भी बिजनेस को आप स्टडी कर रहे हो बहुत सारे लोगों ने फिर स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया किसी भी अनशन वैल्यूएशन पर और फिर नाउ दे आर स्ट्रगलिंग कि ठीक है पैसा निकल भी कैसे सकता है बट द रियल वे एक बेसिक तरीका है अच्छा तरीका है सिंपल सा तरीका है, वो है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना और उसमें भी अगर हम दो बेसिक चीज़ों की बात करें तो वो है कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट तो अगर हम जैसे कि हमने पिछले कई अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज की बात की इफ़ यू टॉक अबाउट इन्फोसिस तो इन्फोसिस की हमने बात की कि शेयर प्राइस बहुत बड़ी दस हज़ार दस हज़ार रुपये जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको ग्यारह बारह करोड़ बन गए इट हैपन बिकॉज इस तरह से कंपनी के रिवेन्यू बढ़े हैं ये अगर इस डायरेक्शन में होते तो शेयर प्राइस भी डाउन ही होती नो बडी वुड हैव मेड मनी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग और इसीलिए जब साई बाबा में लोगों ने इन्वेस्ट किया तो लोगों ने ये नहीं देखा जब लोगों ने साधना में इन्वेस्ट किया तो लोगों ने ये नहीं देखा लोगों ने क्या देखा लोगों ने बातें सुनी तो आपको बातें नहीं सुननी है आपको डेटा देखना है आपको खुद का एनालिसिस करना और उसके बेसिस पर ही चीज़ें देखनी है सो दिस इज़ लाइक इन्फोसिस के रेवेन्यू ये है इन्फोसिस का शेयर प्राइस दिस इज एच डी एफ सी की रेवेज़ एंड प्रॉफिट्स किस हिसाब से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं और ये है एच डी एफ सी बैंक की प्राइस सॉरी एच डी एफ सी की प्राइस एशियन पेंट प्राइस आयशर मोटर्स पिछले कुछ सालों से फ्लैट है तो प्राइस भी देखोगे तो पिछले कुछ सालों से खास रिटर्न नहीं है टू थाउजेंड फिफ्टीन से अगर आप ट्वेंटी थ्री तक देखोगे बट उससे पहले के रिटर्न काफ़ी खास है क्योंकि उससे पहले फाइनेंशियल्स भी तेज़ी से बढ़ रहे थे दिस इज़ पेज इंडस्ट्रीज़ ये बनाती है जॉकी और पेज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसके रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है एंड देन कम्स यस बैंक तो पिछले कुछ सालों से देख रहे हम 2015-16 से कि नथिंग इज़ ग्रोइंग तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया ये सोच के अब यहाँ पे येस yes बैंक के भी लेसन्स बड़े इंपॉर्टेंट है येस yes बैंक से येस बैंक के शेयर प्राइस तीन सौ साढ़े तीन सौ रुपये हुआ करती थी दो हज़ार चौदह पंद्रह में और वो बहुत डबल हो रही थी लगभग हर दो ढाई साल में इट वॉज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग बैंक लेकिन जब ये गिरने लगी जब ये फाइनेंशियल चीज़ें आई डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगे फिर हम लोगों को पता चला कि राना कपूर ने किसको भी पैसे ले लोन बांट दिए तो उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस तीन सौ रुपये से डेढ़ सौ रुपये आई दैन कुछ लोगों ने प्राइस गिर रही है अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बिजनेस के परस्पेक्टिव से नहीं सोचते हैं वो प्राइस के से सोचते हैं कि प्राइस अगर फिफ्टी परसेंट से गिरी है तो यार कुछ तो होगा ज़बरदस्त डिस्काउंट में मिल रहा है मुझे लेट्स बाय उन्होंने डेढ़ सौ रुपये पे बाई किया फिर शेयर प्राइस हो गई सेवेंटी फाइव रुपीज़ तो उन्होंने बोला कि और फिफ़्टी परसेंट डिस्काउंट इन्होंने और ख़रीद लिए ठीक है फिर वो थर्टी फाइव हो गई और फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिल गए फिर वो पंद्रह रुपये हो गई एंड फिर सालों से वो पंद्रह रुपये तो क्योंकि बिज़नेस में कुछ हुआ नहीं है इफ़ यू लुक एट द दाइनेंशियल बिज़नेस में कुछ हुआ नहीं है और दैट इज़ द केस तो आपको यही समझना है आपको बिजनेस समझना है और ये है और फिर जब हमने बात की कि ठीक है कई सारी कंपनीज इसमें लोगों ने पैसा कमाया और कई सारी कंपनीज इसमें लोगों ने पैसा गवाया सो दिस इज़ ऑल्सो कंपनी जेट एयरवेज यस बैंक भी थी जिसमें मिस्टर झुंझुनवाला की भी इन्वेस्टमेंट थी जेट एयरवेज था इसमें भी मिस्टर झुंझुनवाला की इन्वेस्टमेंट थी फाइनेंशियल्स आपके सामने हैं अब शेयर प्राइस किस डायरेक्शन में होगी आप ही बताइए डाउन ही होगी सी सी डी प्रॉफिट एंटरप्राइज ठीक है तो इसका भी बिज़नेस जो है वो कुछ ऐसा है और मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि शेयर प्राइस भी डाउन ही जा रही है सो इन द लॉन्ग टर्म जो देखिए चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर बिजनेस हो इनके जो चलने के तरीके हैं ना वो हमेशा सेम ही रहते हैं बिज़नेस हमेशा प्रॉफिट आपका सी एफ ओ दैट इज़ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितनी कैश आपके पास पड़ी हुई है बची हुई ये सारी चीज़ें मैटर करती है बिज़नेस के लिए और इसीलिए मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रेस करते हैं उन कंपनीज़ को जिनकी प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं ज़ीरोदा की हम बात करते हैं जोहो की बात करते हैं सो दे हैव लाइक फोर्टी फिफ्टी परसेंट फोर्टी परसेंट के अराउंड प्रॉफिट मार्जिनस हैं बिजनेस काफ़ी अच्छा है और पी सी की हम बात करें सो दिस इज़ देयर फाइनेंशियल्स ये उनकी शेयर प्राइस है तो तो यही था कि अब अगले में अब सवाल ये आता है कि फिर ठीक है ऐसा है तो कुछ तो तरीका होगा जिससे कंपनीज को ढूंढा जाता है जिससे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ कुछ तो तरीके होंगे जिससे हम बिज़नेस को ढूंढते हैं तो उन बिज़नेस के बारे में हम अगले सेशन में बात करते हैं आफ्टर अ ब्रेक और फिर हम वहाँ पर बात करेंगे कि वो मतलब शॉकिंगली देर आर वन और टू थिंग्स जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वाइल पिकिंग अ कंपनी क्योंकि अगर हम जोएल ग्रीन की बुक पढ़े तो फिर हमें पता चलता है कि शायद ये रेशो काम काम में आता है फिर अगर हम कोई किसी और इन्वेस्टर की बुक पढ़े तो फिर हमें ये पता चलता है कि शायद ये काम का है बट इंडियन मार्केट को अगर देखा जाए तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यू एस वन वेरी वेरी डिफरेंट और यहाँ के लिए आपको यू नो यहाँ की प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेगी बिजनेस रन करने की क्या प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे मतलब एथिक्स के लाइन पे हम कहाँ पर खड़े रहते हैं स्कैम स्कैंडल्स इतने यहाँ पर कितने होते हैं ये सारी चीज़ें अगर आप सही से समझेंगे तो आपको बिज़नेस पिक करने में कहीं ना कहीं समझ में आइडिया आ जाएगा तो ओवरऑल इसी इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम ये सेशन में बात करेंगे और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको शॉक कर देगी और फिलहाल तो यही रुकता हूँ और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं तो अगले सेशन में हम बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट के और भी बेसिक्स हैं उनके बारे में और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन में आप अपना पहला कदम रख सको यहाँ पर काफ़ी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाएगा सेकेंड सेशन में तो ये सेशन आपको कैसा लगा मतलब दिल से जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी मदद कीजिए इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाने में और सही तरीके का नॉलेज सब तक पहुंचाने में स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखने के लिए आप हमारा कन्वे लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको कंटिन्यूअस स्टॉक मार्केट के ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे और स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने के लिए आप हमारा कन्वे न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट की सारी टॉप न्यूज़ शॉर्ट और क्रिस्पी फॉर्मेट में इंग्लिश और हिंदी इन दोनों लैंग्वेजेस में मिलती है और फाइनली हमारे फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए गए स्टॉक ब्रोकर में से किसी के भी साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद का हिस्सा बन सकते हो